रवि तेजा ने हमेशा से ही अपने दर्शकों का दिल जीता है, क्योंकि जब भी वो फिल्में चुनते हैं तो इस तरीके की फिल्में चुनते हैं जिनके अंदर वो अच्छी खासी अदाकारी कर सकें, एक्शन कर सकें, कॉमेडी कर सकें, डांस कर सकें और दर्शकों का एंटरटेन कर सकें। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादातर हमें रवि तेजा की फिल्में बतौर एक्शन वाली देखने के लिए मिल जाती हैं, जिनमें ज़बरदस्त हमें कॉमेडी भी देखने के लिए मिल जाती है। सबसे पहले तो स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आज की यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल साबित होने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर से कर दीजिएगा, साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन दिखाई दे रहा है उसे ज़रूर से दबा दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रवि तेजा की मोस्ट, बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार करने वाली फिल्म, मोस्ट अवेटेड मूवी मिस्टर बच्चन मूवी को। जी हाँ दोस्तों, रवि तेजा के फैंस को और दर्शकों को फिल्म के रिलीज डेट का काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार था। सो फाइनली हमें रवि तेजा की मिस्टर बच्चन साल 2024 के अंदर देखने के लिए मिल गई है, रिलीज हो गई है। जी हाँ दोस्तों, मूवी को रिलीज कर दिया गया है। आज के इस वीडियो के अंदर आज हम बात करने वाले हैं रवि तेजा स्टारर मिस्टर बच्चन मूवी की। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आज हम रवि तेजा की मूवी मिस्टर बच्चन का रिव्यू करने वाले हैं। मूवी की कहानी क्या है, मूवी की स्टार कास्ट क्या है, मूवी को कब रिलीज किया गया, मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कितना कारोबार किया, मूवी का बजट क्या था, मूवी के अंदर हमें क्या देखने के लिए मिला, मूवी हिट रही या फ्लॉप, मूवी के अंदर आखिर ऐसा क्या है जिसे देखने के लिए दर्शक उतावले हो रहे हैं, मूवी की कहानी क्या है, मूवी के स्टार कास्ट क्या है, मूवी के अंदर किन किन स्टार कास्ट ने बेहतरीन अदाकारी की है, वहीं मूवी की सिनेमेटोग्राफी, मूवी का अंदर दिखाई देने वाला म्यूजिक, मूवी का बैकग्राउंड स्कोर और मूवी के डायरेक्टर के बारे में, आज की तमाम चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर से कर दीजिएगा, साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन दिखाई दे रहा है उसे भी ज़रूर से दबा दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, रवि तेजा की मच अवेटेड मूवी मिस्टर बच्चन मूवी के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। मिस्टर बच्चन मूवी के अगर हम जोनर की बात करें तो मूवी का जोनर हमें फुल्ली एक्शन और ड्रामा देखने के लिए मिल जाता है। मूवी का जोनर हमें एक्शन और ड्रामा जोनर की फिल्म हमें देखने के लिए मिल जाती है। मूवी के अंदर हमें ज़बरदस्त एक्शन और साथ ही कॉमेडी और ड्रामा का जो तड़का देखने के लिए मिलता है, रवि तेजा ने मूवी के अंदर बेहतरीन अदाकारी और शानदार अभिनय मूवी के अंदर किया है और अपने फैंस का दिल जीता है। इसके अलावा हम मूवी की लेंथ की बात करें तो मूवी की लेंथ हमें 2 घंटे 40 मिनट की देखने के लिए मिल जाती है।
जी हाँ दोस्तों, 2 घंटे 40 मिनट के अंदर यह फिल्म दर्शकों का बहुत ही शानदार तरीके से एंटरटेन करते हुए नज़र आ जाती है। वहीं मूवी की IMDb पर रेटिंग की बात करें तो मूवी को IMDb पर बहुत ही कम रेटिंग दी गई है। जी हाँ दोस्तों, मूवी को IMDb पर मात्र 3.6 की रेटिंग दी गई है आउट ऑफ 10 से। जी हाँ दोस्तों, मूवी को IMDb पर 3.6 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10 से, जो कि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा कम देखने के लिए मिल जाती है और बहुत ही ज़्यादा कम हमें मूवी की रेटिंग देखने के लिए मिलती है। जी हाँ दोस्तों, बात की जाए रवि तेजा की, रवि तेजा ने मूवी के अंदर शानदार काम किया है, बेहतरीन काम किया है और बेहतरीन अदाकारी करते हुए रवि तेजा मूवी के अंदर छाप छोड़ते हुए मूवी के अंदर दिखाई दे जाते हैं। अगर हम मूवी की कहानी की बात करें तो हमें मूवी की कहानी देखने के लिए मिलती है एक आनंद बच्चन, जिसका किरदार रवि तेजा ने निभाया है। जी हाँ दोस्तों, मूवी के अंदर रवि तेजा का किरदार हमें आनंद बच्चन देखने के लिए मिल जाता है। आनंद बच्चन के इर्द गिर्द मूवी की कहानी को बुना गया है, मूवी की कहानी को गढ़ा गया है। एक बहुत ज़्यादा ईमानदार आयकर अधिकारी है जो अपने सिद्धांतों के कारण खुद को निलंबित पाता है। अपनी वफादारी ईमानदारी की वजह से वो निलंबित हो जाता है। गांव में फिल्मों के दीवाने परिवार के पास लौटने पर, जहां वे एक आर्केस्ट्रा में बॉलीवुड के गाने गाता रहता है, बच्चन का जीवन स्थिर होने लगता है। फिल्म शोले से प्रेरित होकर उनके पिता पूरे परिवार का नाम उसके किरदारों के नाम पर रख देते हैं, जिसके कारण आनंद ने महानायक अमिताभ बच्चन के नाम पर बच्चन उपनाम अपना लिया। इसी वजह से उसका नाम मिस्टर बच्चन हो जाता है और मूवी के अंदर दिखाई देता है। बच्चन का जीवन नाटकीय मोड़ लेता है जब उन्हें बहाल कर दिया जाता है, जब दोबारा से उसे ड्यूटी पर वापस बुला लिया जाता है और शक्तिशाली और क्रूर राजनेता मोत्यम जगैया के घर पर छापा मारने का काम सौंप दिया जाता है। यहाँ से शुरू होती है मूवी के अंदर एक नई कहानी, एक नए टर्न एंड ट्विस्ट की कहानी। जी हाँ दोस्तों, मूवी के अंदर काफ़ी ज़बरदस्त थ्रिलर जो देखने के लिए मिलता है। यहाँ से जो टर्निंग पॉइंट आता है मूवी के अंदर, हमें ज़बरदस्त थ्रिलर देखने के लिए मिल जाता है और शानदार थ्रिलर मूवी के अंदर नज़र आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, मूवी के आप मुख्य भाषा की बात करें तो मूवी की मुख्य भाषा हमें तेलुगु देखने के लिए मिल जाती है। तेलुगु भाषा के अंदर मूवी को बनाया गया है। हालांकि फिल्म के मेकर्स ने मूवी को तमाम भाषाओं में रिलीज किया है, तमाम भाषाओं के अंदर आप इस फिल्म को देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तेलुगु मूवी को आप हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ तमाम भाषाओं में आप इस फिल्म को देख सकते हैं, फिल्म का लुत्फ़ उठा सकते हैं, फिल्म का एंटरटेन कर सकते हैं और फिल्म के मज़े ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तेलुगु फिल्म का
काफ़ी बेहतरीन बन पड़ी है। फिल्म की कहानी काफ़ी शानदार है। यह फिल्म रीमेक है बॉलीवुड के अंदर आई अजय देवगन स्टारर मूवी रेड मूवी की। जी हाँ दोस्तों, यह फिल्म तेलुगु में रीमेक की गई है और रवि तेजा ने और फिल्म मेकर्स ने अपने हिसाब से मूवी की कहानी को गढ़ा है, अपने हिसाब से मूवी की कहानी को मोड़ा है, मूवी के डायलॉग्स और पात्रों को अपने हिसाब से नाटकीय बनाया है। जी हाँ दोस्तों, मिस्टर बच्चन मूवी तेलुगु मूवी हमें देखने के लिए मिल जाती है और तेलुगु मूवी के अंदर मिस्टर बच्चन काफ़ी शानदार काम करते हुए नज़र आ जाते हैं। मूवी के अगर हम डायरेक्टर की बात करें, मूवी को डायरेक्ट किया गया है हरीश शंकर के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, मूवी को हरीश शंकर ने डायरेक्ट किया है। मूवी का डायरेक्शन हरीश शंकर के द्वारा दिया हुआ और देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा हम मूवी के बजट की बात करें तो मूवी का बजट हमें 70 करोड़ रुपयों का देखने के लिए मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, मूवी का बजट हमें 70 करोड़ रुपये देखने के लिए मिल जाता है। वहीं हम मूवी के बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन की बात करें तो मूवी का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन बहुत ही ना के बराबर देखने के लिए मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ फिल्म मेकर्स ने मूवी के बजट में अच्छी खासी धनराशि लगाई, अच्छे खासे पैसे उड़ाए, वहीं रवि तेजा स्टारर मूवी मिस्टर बच्चन सिनेमाघरों में दर्शकों का दिल जीतने में नाकामयाब साबित रही। जी हाँ दोस्तों, नाकामयाब साबित इसलिए रही क्योंकि मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर मात्र 7 करोड़ रुपयों का कलेक्शन करने में ही दम टेक दिया। जी हाँ दोस्तों, मात्र 7 करोड़ रुपयों के कलेक्शन के साथ मूवी का सारा, रवि तेजा का सारा जोश धरा का धरा रह गया। फिल्म मेकर्स की सारी उम्मीदों पर पानी फिर सा गया। जी हाँ दोस्तों, रवि तेजा स्टारर मूवी का बजट 70 करोड़ रुपये होने के बावजूद मूवी बॉक्स ऑफिस पर सिनेमाघरों में मात्र 7 करोड़ रुपयों का कलेक्शन कर ही कर पाई और 7 करोड़ रुपयों के कलेक्शन करने में ही सफल रही। वहीं हम मूवी की रनिंग टाइम की बात करें तो मूवी की रनिंग टाइम हमें 160 मिनट की देखने के लिए मिल जाती है। वहीं जब मूवी को दोबारा से रिलीज किया गया, मूवी का एडिटिंग वर्जन, एडिटेड वर्जन वापस लाया गया तो मूवी को और ज़्यादा छोटा किया गया और मूवी की लेंथ हमें 149 मिनट की देखने के लिए मिल जाती है। जी हाँ दोस्तों, मूवी को लिखा गया है हरीश शंकर के द्वारा और मूवी को डायरेक्ट भी हरीश शंकर ने ही किया है। आज हम रवि तेजा की मूवी मिस्टर बच्चन का रिव्यू करने वाले हैं। मूवी की कहानी क्या है, मूवी की स्टार कास्ट क्या है, मूवी को कब रिलीज किया गया, मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कितना कारोबार किया, मूवी का बजट क्या था, मूवी के अंदर हमें क्या देखने के लिए मिला, मूवी हिट रही या फ्लॉप, मूवी के अंदर आखिर ऐसा क्या है जिसे देखने के लिए दर्शक उतावले हो रहे हैं, मूवी की कहानी क्या है, मूवी के स्टार कास्ट क्या है, मूवी के अंदर किन किन स्टार कास्ट ने बेहतरीन अदाकारी की है, वहीं मूवी की सिनेमेटोग्राफी, मूवी का अंदर दिखाई देने वाला म्यूजिक, मूवी का बैकग्राउंड स्कोर और मूवी के डायरेक्टर के बारे में, आज की तमाम चीज़ों के बारे में
आज की इस वीडियो के अंदर डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर से कर दीजिएगा, साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन दिखाई दे रहा है उसे भी ज़रूर से दबा दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, रवि तेजा की मच अवेटेड मूवी मिस्टर बच्चन मूवी के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। मिस्टर बच्चन मूवी के अगर हम जोनर की बात करें तो मूवी का जोनर हमें फुल्ली एक्शन और ड्रामा देखने के लिए मिल जाता है। मूवी का जोनर हमें एक्शन और ड्रामा जोनर की फिल्म हमें देखने के लिए मिल जाती है। मूवी के अंदर हमें ज़बरदस्त एक्शन और साथ ही कॉमेडी और ड्रामा का जो तड़का देखने के लिए मिलता है। रवि तेजा ने मूवी के अंदर बेहतरीन अदाकारी और शानदार अभिनय मूवी के अंदर किया है और अपने फैंस का दिल जीता है। इसके अलावा हम मूवी की लेंथ की बात करें तो मूवी की लेंथ हमें 2 घंटे 40 मिनट की देखने के लिए मिल जाती है। जी हाँ दोस्तों, 2 घंटे 40 मिनट के अंदर यह फिल्म दर्शकों का बहुत ही शानदार तरीके से एंटरटेन करते हुए नज़र आ जाती है। वहीं मूवी की IMDb पर रेटिंग की बात करें तो मूवी को IMDb पर बहुत ही कम रेटिंग दी गई है। जी हाँ दोस्तों, मूवी को IMDb पर मात्र 3.6 की रेटिंग दी गई है आउट ऑफ 10 से। जी हाँ दोस्तों, मूवी को IMDb पर 3.6 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10 से, जो कि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा कम देखने के लिए मिल जाती है और बहुत ही ज़्यादा कम हमें मूवी की रेटिंग देखने के लिए मिलती है। जी हाँ दोस्तों, बात की जाए रवि तेजा की, रवि तेजा ने मूवी के अंदर शानदार काम किया है, बेहतरीन काम किया है और बेहतरीन अदाकारी करते हुए रवि तेजा मूवी के अंदर छाप छोड़ते हुए मूवी के अंदर दिखाई दे जाते हैं। अगर हम मूवी की कहानी की बात करें तो हमें मूवी की कहानी देखने के लिए मिलती है एक आनंद बच्चन, जिसका किरदार रवि तेजा ने निभाया है। जी हाँ दोस्तों, मूवी के अंदर रवि तेजा का किरदार हमें आनंद बच्चन देखने के लिए मिल जाता है। आनंद बच्चन के इर्द गिर्द मूवी की कहानी को बुना गया है, मूवी की कहानी को गढ़ा गया है। एक बहुत ज़्यादा ईमानदार आयकर अधिकारी है जो अपने सिद्धांतों के कारण खुद को निलंबित पाता है, अपनी वफादारी ईमानदारी की वजह से वो निलंबित हो जाता है। गांव में फिल्मों के दीवाने परिवार के पास लौटने पर, जहां वे एक आर्केस्ट्रा में बॉलीवुड के गाने गाता रहता है, बच्चन का जीवन स्थिर होने लगता है। फिल्म शोले से प्रेरित होकर उनके पिता पूरे परिवार का नाम उसके किरदारों के नाम पर रख देते हैं, जिसके कारण आनंद ने महानायक अमिताभ बच्चन के नाम पर बच्चन उपनाम अपना लिया। इसी वजह से उसका नाम मिस्टर बच्चन हो जाता है और मूवी के अंदर दिखाई देता है। बच्चन का जीवन नाटकीय मोड़ लेता है
जब उन्हें बहाल कर दिया जाता है, जब दोबारा से उसे ड्यूटी पर वापस बुला लिया जाता है, और शक्तिशाली और क्रूर राजनेता मोत्यम जेगैया के घर पर छापा मारने का काम सौंप दिया जाता है। यहाँ से शुरू होती है मूवी के अंदर एक नई कहानी, एक नए टर्न एंड ट्विस्ट की कहानी। जी हाँ दोस्तों, मूवी के अंदर काफ़ी ज़बरदस्त थ्रिलर जो देखने के लिए मिलता है, यहाँ से जो टर्निंग पॉइंट आता है मूवी के अंदर, हमें ज़बरदस्त थ्रिलर देखने के लिए मिल जाता है और शानदार थ्रिलर मूवी के अंदर नज़र आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, मूवी के आप मुख्य भाषा की बात करें तो मूवी की मुख्य भाषा हमें तेलुगु देखने के लिए मिल जाती है। तेलुगु भाषा के अंदर मूवी को बनाया गया है। हालांकि फिल्म के मेकर्स ने मूवी को तमाम भाषाओं में रिलीज़ किया है, तमाम भाषाओं के अंदर आप इस फिल्म को देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तेलुगु मूवी आप हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, तमाम भाषाओं में आप इस फिल्म को देख सकते हैं, फिल्म का लुत्फ़ उठा सकते हैं, फिल्म का एंटरटेन कर सकते हैं और फिल्म के मज़े ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तेलुगु फिल्म काफ़ी बेहतरीन बन पड़ी है, फिल्म की कहानी काफ़ी शानदार है। यह फिल्म रीमेक है बॉलीवुड के अंदर आई अजय देवगन स्टारर मूवी रेड मूवी की। जी हाँ दोस्तों, यह फिल्म तेलुगु में रीमेक की गई है और रवि तेजा ने और फिल्म मेकर्स ने अपने हिसाब से मूवी की कहानी को गढ़ा है, अपने हिसाब से मूवी की कहानी को मोड़ा है, मूवी के डायलॉग्स और पात्रों को अपने हिसाब से नाटकीय बनाया है। जी हाँ दोस्तों, मिस्टर बच्चन मूवी तेलुगु मूवी हमें देखने के लिए मिल जाती है, और तेलुगु मूवी के अंदर मिस्टर बच्चन काफ़ी शानदार काम करते हुए नज़र आ जाते हैं। मूवी के अगर हम डायरेक्टर की बात करें, मूवी को डायरेक्ट किया गया है हरीश शंकर के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, मूवी को हरीश शंकर ने डायरेक्ट किया है, मूवी का डायरेक्शन हरीश शंकर के द्वारा दिया हुआ और देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा हम मूवी के बजट की बात करें तो मूवी का बजट हमें 70 करोड़ रुपयों का देखने के लिए मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, मूवी का बजट हमें 70 करोड़ रुपये देखने के लिए मिल जाता है। वहीं हम मूवी के बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन की बात करें तो मूवी का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन बहुत ही ना के बराबर देखने के लिए मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ फिल्म मेकर्स ने मूवी के बजट में अच्छी खासी धनराशि लगाई, अच्छे खासे पैसे उड़ाए, वहीं रवि तेजा स्टारर मूवी मिस्टर बच्चन सिनेमाघरों में दर्शकों का दिल जीतने में नाकामयाब साबित रही। जी हाँ दोस्तों, नाकामयाब साबित इसलिए रही क्योंकि मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर मात्र 7 करोड़ रुपयों का कलेक्शन करने में ही दम टेक दिया। जी हाँ दोस्तों, मात्र 7 करोड़ रुपयों के कलेक्शन के साथ मूवी का सारा, रवि तेजा का सारा जोश धरा का धरा रह गया, फिल्म मेकर्स की सारी उम्मीदों पर पानी फिर सा गया। जी हाँ दोस्तों, रवि तेजा स्टारर मूवी का बजट 70 करोड़ रुपये होने के बावजूद मूवी बॉक्स ऑफिस पर सिनेमाघरों में मात्र 7 करोड़ रुपयों का कलेक्शन कर ही कर पाई और 7 करोड़ रुपयों के कलेक्शन करने में ही सफल रही। वहीं हम मूवी की रनिंग टाइम की बात करें तो मूवी की रनिंग टाइम हमें
160 मिनट की देखने के लिए मिल जाती है। वहीं जब मूवी को दोबारा से रिलीज किया गया, मूवी का एडिटेड वर्जन वापस लाया गया, तो मूवी को और ज़्यादा छोटा किया गया और मूवी की लेंथ हमें 149 मिनट की देखने के लिए मिल जाती है। जी हाँ दोस्तों, मूवी को लिखा गया है हरीश शंकर के द्वारा और मूवी को डायरेक्ट भी हरीश शंकर ने ही किया है। आज हम रवि तेजा की मूवी मिस्टर बच्चन का रिव्यू करने वाले हैं। मूवी की कहानी क्या है, मूवी की स्टार कास्ट क्या है, मूवी को कब रिलीज किया गया, मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कितना कारोबार किया, मूवी का बजट क्या था, मूवी के अंदर हमें क्या देखने के लिए मिला, मूवी हिट रही या फ्लॉप, मूवी के अंदर आखिर ऐसा क्या है जिसे देखने के लिए दर्शक उतावले हो रहे हैं, मूवी की कहानी क्या है, मूवी के स्टार कास्ट क्या है, मूवी के अंदर किन किन स्टार कास्ट ने बेहतरीन अदाकारी की है, वहीं मूवी की सिनेमेटोग्राफी, मूवी का अंदर दिखाई देने वाला म्यूजिक, मूवी का बैकग्राउंड स्कोर और मूवी के डायरेक्टर के बारे में, आज की तमाम चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर से कर दीजिएगा, साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन दिखाई दे रहा है उसे भी ज़रूर से दबा दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, रवि तेजा की मच अवेटेड मूवी मिस्टर बच्चन मूवी के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। मिस्टर बच्चन मूवी के अगर हम जोनर की बात करें तो मूवी का जोनर हमें फुल्ली एक्शन और ड्रामा देखने के लिए मिल जाता है। मूवी का जोनर हमें एक्शन और ड्रामा जोनर की फिल्म हमें देखने के लिए मिल जाती है। मूवी के अंदर हमें ज़बरदस्त एक्शन और साथ ही कॉमेडी और ड्रामा का जो तड़का देखने के लिए मिलता है, रवि तेजा ने मूवी के अंदर बेहतरीन अदाकारी और शानदार अभिनय मूवी के अंदर किया है और अपने फैंस का दिल जीता है। इसके अलावा हम मूवी की लेंथ की बात करें तो मूवी की लेंथ हमें 2 घंटे 40 मिनट की देखने के लिए मिल जाती है। जी हाँ दोस्तों, 2 घंटे 40 मिनट के अंदर यह फिल्म दर्शकों का बहुत ही शानदार तरीके से एंटरटेन करते हुए नज़र आ जाती है। वहीं मूवी की IMDB पर रेटिंग की बात करें तो मूवी को IMDB पर बहुत ही कम रेटिंग दी गई है। जी हाँ दोस्तों, मूवी को IMDB पर मात्र 3.6 की रेटिंग दी गई है आउट ऑफ 10 से। जी हाँ दोस्तों, मूवी को IMDB पर 3.6 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10 से, जो कि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा कम देखने के लिए मिल जाती है और बहुत ही ज़्यादा कम हमें मूवी की रेटिंग देखने के लिए मिलती है। जी हाँ दोस्तों, बात की जाए रवि तेजा की, रवि तेजा ने मूवी के अंदर शानदार काम किया है, बेहतरीन काम किया है और बेहतरीन अदाकारी करते हुए रवि तेजा मूवी के अंदर छाप छोड़ते हुए मूवी के अंदर दिखाई दे जाते हैं। अगर हम मूवी की कहानी की बात करें तो हमें मूवी की कहानी
देखने के लिए मिलती है। एक आनंद बच्चन जिसका किरदार रवि तेजा ने निभाया है। जी हाँ दोस्तों, मूवी के अंदर रवि तेजा का किरदार हमें आनंद बच्चन देखने के लिए मिल जाता है। आनंद बच्चन के इर्द गिर्द मूवी की कहानी को बुना गया है, मूवी की कहानी को गढ़ा गया है। एक बहुत ज़्यादा ईमानदार आयकर अधिकारी है जो अपने सिद्धांतों के कारण खुद को निलंबित पाता है। अपने वफादारी ईमानदारी की वजह से वो निलंबित हो जाता है। गांव में फिल्मों के दीवाने परिवार के पास लौटने पर, जहां वे एक आर्केस्ट्रा में बॉलीवुड के गाने गाता रहता है, बच्चन का जीवन स्थिर होने लगता है। फिल्म शोले से प्रेरित होकर उनके पिता पूरे परिवार का नाम उसके किरदारों के नाम पर रख देते हैं, जिसके कारण आनंद ने महानायक अमिताभ बच्चन के नाम पर बच्चन उपनाम अपना लिया। इसी वजह से उसका नाम मिस्टर बच्चन हो जाता है और मूवी के अंदर दिखाई देता है। बच्चन का जीवन नाटकीय मोड़ लेता है जब उन्हें बहाल कर दिया जाता है, जब दोबारा से उसे ड्यूटी पर वापस बुला लिया जाता है और शक्तिशाली और क्रूर राजनेता मोत्यम जगैया के घर पर छापा मारने का काम सौंप दिया जाता है। यहाँ से शुरू होती है मूवी के अंदर एक नई कहानी, एक नए टर्न एंड ट्विस्ट की कहानी। जी हाँ दोस्तों, मूवी के अंदर काफ़ी ज़बरदस्त थ्रिलर जो देखने के लिए मिलता है, यहाँ से जो टर्निंग पॉइंट आता है, मूवी के अंदर हमें ज़बरदस्त थ्रिलर देखने के लिए मिल जाता है और शानदार थ्रिलर मूवी के अंदर नज़र आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, मूवी के आप मुख्य भाषा की बात करें तो मूवी की मुख्य भाषा हमें तेलुगु देखने के लिए मिल जाती है। तेलुगु भाषा के अंदर मूवी को बनाया गया है। हालांकि फिल्म के मेकर्स ने मूवी को तमाम भाषाओं में रिलीज़ किया है, तमाम भाषाओं के अंदर आप इस फिल्म को देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तेलुगु मूवी आप हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ तमाम भाषाओं में आप इस फिल्म को देख सकते हैं, फिल्म का लुत्फ उठा सकते हैं, फिल्म को एंटरटेन कर सकते हैं और फिल्म के मज़े ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तेलुगु फिल्म काफ़ी बेहतरीन बन पड़ी है, फिल्म की कहानी काफ़ी शानदार है। यह फिल्म रीमेक है बॉलीवुड के अंदर आई अजय देवगन स्टारर मूवी रेड मूवी की। जी हाँ दोस्तों, यह फिल्म तेलुगु में रीमेक की गई है और रवि तेजा ने और फिल्म मेकर्स ने अपने हिसाब से मूवी की कहानी को गढ़ा है, अपने हिसाब से मूवी की कहानी को मोड़ा है, मूवी के डायलॉग्स और पात्रों को अपने हिसाब से नाटकीय बनाया है। जी हाँ दोस्तों, मिस्टर बच्चन मूवी तेलुगु मूवी हमें देखने के लिए मिल जाती है और तेलुगु मूवी के अंदर मिस्टर बच्चन काफ़ी शानदार काम करते हुए नज़र आ जाते हैं। मूवी के अगर हम डायरेक्टर की बात करें, मूवी को डायरेक्ट किया गया है हरीश शंकर के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, मूवी को हरीश शंकर ने डायरेक्ट किया है। मूवी का डायरेक्शन हरीश शंकर के द्वारा दिया हुआ और देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा हम मूवी के बजट की बात करें तो मूवी का बजट हमें
70 करोड़ रुपयों का देखने के लिए मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, मूवी का बजट हमें 70 करोड़ रुपये देखने के लिए मिल जाता है। वहीं हम मूवी के बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन की बात करें तो मूवी का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन बहुत ही ना के बराबर देखने के लिए मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ फिल्म मेकर्स ने मूवी के बजट में अच्छी खासी धनराशि लगाई, अच्छे खासे पैसे उड़ाए, वहीं रवि तेजा स्टारर मूवी मिस्टर बच्चन सिनेमा घरों में दर्शकों का दिल जीतने में नाकामयाब साबित रही। जी हाँ दोस्तों, नाकामयाब साबित इसलिए रही क्योंकि मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर मात्र 7 करोड़ रुपयों का कलेक्शन करने में ही दम टेक दिया। जी हाँ दोस्तों, मात्र 7 करोड़ रुपयों के कलेक्शन के साथ मूवी का सारा, रवि तेजा का सारा जोश धरा का धरा रह गया। फिल्म मेकर्स की सारी उम्मीदों पर पानी फिर सा गया। जी हाँ दोस्तों, रवि तेजा स्टारर मूवी का बजट 70 करोड़ रुपये होने के बावजूद मूवी बॉक्स ऑफिस पर सिनेमा घरों में मात्र 7 करोड़ रुपयों का कलेक्शन कर ही कर पाई और 7 करोड़ रुपयों के कलेक्शन करने में ही सफल रही। वहीं हम मूवी की रनिंग टाइम की बात करें तो मूवी की रनिंग टाइम हमें 160 मिनट की देखने के लिए मिल जाती है। वहीं जब मूवी को दोबारा से रिलीज किया गया, मूवी का एडिटेड वर्जन वापस लाया गया तो मूवी को और ज़्यादा छोटा किया गया और मूवी की लेंथ हमें 149 मिनट की देखने के लिए मिल जाती है। जी हाँ दोस्तों, मूवी को लिखा गया है हरीश शंकर के द्वारा और मूवी को डायरेक्ट भी हरीश शंकर ने ही किया है। आज हम रवि तेजा की मूवी मिस्टर बच्चन का रिव्यू करने वाले हैं। मूवी की कहानी क्या है, मूवी की स्टार कास्ट क्या है, मूवी को कब रिलीज किया गया, मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कितना कारोबार किया, मूवी का बजट क्या था, मूवी के अंदर हमें क्या देखने के लिए मिला, मूवी हिट रही या फ्लॉप, मूवी के अंदर आखिर ऐसा क्या है जिसे देखने के लिए दर्शक उतावले हो रहे हैं, मूवी की कहानी क्या है, मूवी के स्टार कास्ट क्या है, मूवी के अंदर किन किन स्टार कास्ट ने बेहतरीन अदाकारी की है, वहीं मूवी की सिनेमेटोग्राफी, मूवी का अंदर दिखाई देने वाला म्यूजिक, मूवी का बैकग्राउंड स्कोर और मूवी के डायरेक्टर के बारे में, आज की तमाम चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर से कर दीजिएगा, साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन दिखाई दे रहा है उसे भी ज़रूर से दबा दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, रवि तेजा की मच अवेटेड मूवी मिस्टर बच्चन मूवी के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। मिस्टर बच्चन मूवी के अगर हम जोनर की बात करें तो मूवी का जोनर हमें फुल्ली एक्शन और ड्रामा देखने के लिए मिल जाता है। मूवी का जोनर हमें एक्शन और ड्रामा जोनर की फिल्म हमें देखने के लिए मिल जाती है। मूवी के अंदर हमें ज़बरदस्त एक्शन और साथ ही कॉमेडी और ड्रामा का जो तड़का देखने के लिए मिलता है, रवि तेजा ने मूवी के अंदर बेहतरीन अदाकारी और शानदार अभिनय मूवी के अंदर किया है और अपने फैंस का दिल जीता है।
इसके अलावा हम मूवी की लेंथ की बात करें तो मूवी की लेंथ हमें 2 घंटे 40 मिनट की देखने के लिए मिल जाती है। जी हाँ दोस्तों, 2 घंटे 40 मिनट के अंदर यह फिल्म दर्शकों का बहुत ही शानदार तरीके से एंटरटेन करते हुए नज़र आ जाती है। वहीं मूवी की IMDb पर रेटिंग की बात करें तो मूवी को IMDb पर बहुत ही कम रेटिंग दी गई है। जी हाँ दोस्तों, मूवी को IMDb पर मात्र 3.6 की रेटिंग दी गई है आउट ऑफ 10 से। जी हाँ दोस्तों, मूवी को IMDb पर 3.6 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10 से, जो कि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा कम देखने के लिए मिल जाती है और बहुत ही ज़्यादा कम हमें मूवी की रेटिंग देखने के लिए मिलती है। जी हाँ दोस्तों, बात की जाए रवि तेजा की, रवि तेजा ने मूवी के अंदर शानदार काम किया है, बेहतरीन काम किया है और बेहतरीन अदाकारी करते हुए रवि तेजा मूवी के अंदर छाप छोड़ते हुए मूवी के अंदर दिखाई दे जाते हैं। अगर हम मूवी की कहानी की बात करें तो हमें मूवी की कहानी देखने के लिए मिलती है एक आनंद बच्चन, जिसका किरदार रवि तेजा ने निभाया है। जी हाँ दोस्तों, मूवी के अंदर रवि तेजा का किरदार हमें आनंद बच्चन देखने के लिए मिल जाता है। आनंद बच्चन के इर्द गिर्द मूवी की कहानी को बुना गया है, मूवी की कहानी को गढ़ा गया है। एक बहुत ज़्यादा ईमानदार आयकर अधिकारी है जो अपने सिद्धांतों के कारण खुद को निलंबित पाता है, अपनी वफादारी ईमानदारी की वजह से वो निलंबित हो जाता है। गांव में फिल्मों के दीवाने परिवार के पास लौटने पर, जहां वे एक ऑर्केस्ट्रा में बॉलीवुड के गाने गाता रहता है, बच्चन का जीवन स्थिर होने लगता है। फिल्म शोले से प्रेरित होकर उनके पिता पूरे परिवार का नाम उसके किरदारों के नाम पर रख देते हैं, जिसके कारण आनंद ने महानायक अमिताभ बच्चन के नाम पर बच्चन उपनाम अपना लिया। इसी वजह से उसका नाम मिस्टर बच्चन हो जाता है और मूवी के अंदर दिखाई देता है। बच्चन का जीवन नाटकीय मोड़ लेता है जब उन्हें बहाल कर दिया जाता है, जब दोबारा से उसे ड्यूटी पर वापस बुला लिया जाता है और शक्तिशाली और क्रूर राजनेता मोत्यम जेगैया के घर पर छापा मारने का काम सौंप दिया जाता है। यहाँ से शुरू होती है मूवी के अंदर एक नई कहानी, एक नए टर्न एंड ट्विस्ट की कहानी। जी हाँ दोस्तों, मूवी के अंदर काफ़ी ज़बरदस्त थ्रिलर जो देखने के लिए मिलता है, यहाँ से जो टर्निंग पॉइंट आता है मूवी के अंदर, हमें ज़बरदस्त थ्रिलर देखने के लिए मिल जाता है और शानदार थ्रिलर मूवी के अंदर नज़र आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, मूवी के आप मुख्य भाषा की बात करें तो मूवी की मुख्य भाषा हमें तेलुगु देखने के लिए मिल जाती है। तेलुगु भाषा के अंदर मूवी को बनाया गया है। हालांकि फिल्म के मेकर्स ने मूवी को तमाम भाषाओं में रिलीज़ किया है, तमाम भाषाओं के अंदर आप इस फिल्म को देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तेलुगु मूवी को आप हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़,
तमाम भाषाओं में आप इस फिल्म को देख सकते हैं, फिल्म का लुत्फ़ उठा सकते हैं, फिल्म को एंटरटेन कर सकते हैं और फिल्म के मज़े ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तेलुगु फिल्म काफ़ी बेहतरीन बन पड़ी है। फिल्म की कहानी काफ़ी शानदार है। यह फिल्म रीमेक है बॉलीवुड के अंदर आई अजय देवगन स्टारर मूवी रेड मूवी की। जी हाँ दोस्तों, यह फिल्म तेलुगु में रीमेक की गई है और रवि तेजा ने और फिल्म मेकर्स ने अपने हिसाब से मूवी की कहानी को गढ़ा है, अपने हिसाब से मूवी की कहानी को मोड़ा है, मूवी के डायलॉग्स और पात्रों को अपने हिसाब से नाटकीय बनाया है। जी हाँ दोस्तों, मिस्टर बच्चन मूवी तेलुगु मूवी हमें देखने के लिए मिल जाती है और तेलुगु मूवी के अंदर मिस्टर बच्चन काफ़ी शानदार काम करते हुए नज़र आ जाते हैं। मूवी के अगर हम डायरेक्टर की बात करें, मूवी को डायरेक्ट किया गया है हरीश शंकर के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, मूवी को हरीश शंकर ने डायरेक्ट किया है। मूवी का डायरेक्शन हरीश शंकर के द्वारा दिया हुआ और देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा हम मूवी के बजट की बात करें तो मूवी का बजट हमें 70 करोड़ रुपयों का देखने के लिए मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, मूवी का बजट हमें 70 करोड़ रुपये देखने के लिए मिल जाता है। वहीं हम मूवी के बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन की बात करें तो मूवी का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन बहुत ही ना के बराबर देखने के लिए मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ फिल्म मेकर्स ने मूवी के बजट में अच्छी खासी धनराशि लगाई, अच्छे खासे पैसे उड़ाए, वहीं रवि तेजा स्टारर मूवी मिस्टर बच्चन सिनेमा घरों में दर्शकों का दिल जीतने में नाकामयाब साबित रही। जी हाँ दोस्तों, नाकामयाब साबित इसलिए रही क्योंकि मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर मात्र 7 करोड़ रुपयों का कलेक्शन करने में ही दम टेक दिया। जी हाँ दोस्तों, मात्र 7 करोड़ रुपयों के कलेक्शन के साथ मूवी का सारा, रवि तेजा का सारा जोश धरा का धरा रह गया। फिल्म मेकर्स की सारी उम्मीदों पर पानी फिर सा गया। जी हाँ दोस्तों, रवि तेजा स्टारर मूवी का बजट 70 करोड़ रुपये होने के बावजूद मूवी बॉक्स ऑफिस पर सिनेमा घरों में मात्र 7 करोड़ रुपयों का कलेक्शन कर ही कर पाई और 7 करोड़ रुपयों के कलेक्शन करने में ही सफल रही। वहीं हम मूवी की रनिंग टाइम की बात करें तो मूवी की रनिंग टाइम हमें 160 मिनट की देखने के लिए मिल जाती है। वहीं जब मूवी को दोबारा से रिलीज किया गया, मूवी का एडिटिंग वर्जन, एडिटेड वर्जन वापस लाया गया तो मूवी को और ज़्यादा छोटा किया गया और मूवी की लेंथ हमें 149 मिनट की देखने के लिए मिल जाती है। जी हाँ दोस्तों, मूवी को लिखा गया है हरीश शंकर के द्वारा और मूवी को डायरेक्ट भी हरीश शंकर ने ही किया है। आज हम रवि तेजा की मूवी मिस्टर बच्चन का रिव्यू करने वाले हैं। मूवी की कहानी क्या है, मूवी की स्टार कास्ट क्या है, मूवी को कब रिलीज किया गया, मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कितना कारोबार किया, मूवी का बजट क्या था, मूवी के अंदर हमें क्या देखने के लिए मिला, मूवी हिट रही या फ्लॉप, मूवी के अंदर आखिर ऐसा क्या है जिसे देखने के लिए दर्शक उतावले हो रहे हैं, मूवी की कहानी क्या है, मूवी के स्टार कास्ट क्या है, मूवी के अंदर किन किन स्टार कास्ट ने बेहतरीन अदाकारी की है, वहीं मूवी की सिनेमेटोग्राफी
मूवी का अंदर दिखाई देने वाला म्यूजिक, मूवी का बैकग्राउंड स्कोर और मूवी के डायरेक्टर के बारे में, आज की तमाम चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर से कर दीजिएगा, साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन दिखाई दे रहा है उसे भी ज़रूर से दबा दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, रवि तेजा की मच अवेटेड मूवी मिस्टर बच्चन मूवी के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। मिस्टर बच्चन मूवी के अगर हम जोनर की बात करें तो मूवी का जोनर हमें फुल्ली एक्शन और ड्रामा देखने के लिए मिल जाता है। मूवी का जोनर हमें एक्शन और ड्रामा जोनर की फिल्म हमें देखने के लिए मिल जाती है। मूवी के अंदर हमें ज़बरदस्त एक्शन और साथ ही कॉमेडी और ड्रामा का जो तड़का देखने के लिए मिलता है। रवि तेजा ने मूवी के अंदर बेहतरीन अदाकारी और शानदार अभिनय मूवी के अंदर किया है और अपने फैंस का दिल जीता है। इसके अलावा हम मूवी की लेंथ की बात करें तो मूवी की लेंथ हमें 2 घंटे 40 मिनट की देखने के लिए मिल जाती है। जी हाँ दोस्तों, 2 घंटे 40 मिनट के अंदर यह फिल्म दर्शकों का बहुत ही शानदार तरीके से एंटरटेन करते हुए नज़र आ जाती है। वहीं मूवी की IMDb पर रेटिंग की बात करें तो मूवी को IMDb पर बहुत ही कम रेटिंग दी गई है। जी हाँ दोस्तों, मूवी को IMDb पर मात्र 3.6 की रेटिंग दी गई है आउट ऑफ 10 से। जी हाँ दोस्तों, मूवी को IMDb पर 3.6 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10 से, जो कि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा कम देखने के लिए मिल जाती है और बहुत ही ज़्यादा कम हमें मूवी की रेटिंग देखने के लिए मिलती है। जी हाँ दोस्तों, बात की जाए रवि तेजा की, रवि तेजा ने मूवी के अंदर शानदार काम किया है, बेहतरीन काम किया है और बेहतरीन अदाकारी करते हुए रवि तेजा मूवी के अंदर छाप छोड़ते हुए मूवी के अंदर दिखाई दे जाते हैं। अगर हम मूवी की कहानी की बात करें तो हमें मूवी की कहानी देखने के लिए मिलती है एक आनंद बच्चन, जिसका किरदार रवि तेजा ने निभाया है। जी हाँ दोस्तों, मूवी के अंदर रवि तेजा का किरदार हमें आनंद बच्चन देखने के लिए मिल जाता है। आनंद बच्चन के इर्द गिर्द मूवी की कहानी को बुना गया है, मूवी की कहानी को गढ़ा गया है। एक बहुत ज़्यादा ईमानदार आयकर अधिकारी है जो अपने सिद्धांतों के कारण खुद को निलंबित पाता है, अपनी वफादारी ईमानदारी की वजह से वो निलंबित हो जाता है। गांव में फिल्मों के दीवाने परिवार के पास लौटने पर, जहां वे एक आर्केस्ट्रा में बॉलीवुड के गाने गाता रहता है, बच्चन का जीवन स्थिर होने लगता है। फिल्म शोले से प्रेरित होकर उनके पिता पूरे परिवार का नाम उसके किरदारों के नाम पर रख देते हैं, जिसके कारण आनंद ने महानायक अमिताभ बच्चन के नाम पर
बच्चन उपनाम अपना लिया, इसी वजह से उसका नाम मिस्टर बच्चन हो जाता है और मूवी के अंदर दिखाई देता है। बच्चन का जीवन नाटकीय मोड़ लेता है जब उन्हें बहाल कर दिया जाता है, जब दोबारा से उसे ड्यूटी पर वापस बुला लिया जाता है। और शक्तिशाली और क्रूर राजनेता मोत्यम जगैया के घर पर छापा मारने का काम सौंप दिया जाता है। यहाँ से शुरू होती है मूवी के अंदर एक नई कहानी, एक नए टर्न एंड ट्विस्ट की कहानी। जी हाँ दोस्तों, मूवी के अंदर काफ़ी ज़बरदस्त थ्रिलर जो देखने के लिए मिलता है, यहाँ से जो टर्निंग पॉइंट आता है मूवी के अंदर, हमें ज़बरदस्त थ्रिलर देखने के लिए मिल जाता है और शानदार थ्रिलर मूवी के अंदर नज़र आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, मूवी के आप मुख्य भाषा की बात करें तो मूवी की मुख्य भाषा हमें तेलुगु देखने के लिए मिल जाती है। तेलुगु भाषा के अंदर मूवी को बनाया गया है। हालांकि फिल्म के मेकर्स ने मूवी को तमाम भाषाओं में रिलीज़ किया है, तमाम भाषाओं के अंदर आप इस फिल्म को देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तेलुगु मूवी को आप हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ तमाम भाषाओं में आप इस फिल्म को देख सकते हैं, फिल्म का लुत्फ़ उठा सकते हैं, फिल्म को एंटरटेन कर सकते हैं और फिल्म के मज़े ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तेलुगु फिल्म काफ़ी बेहतरीन बन पड़ी है, फिल्म की कहानी काफ़ी शानदार है। यह फिल्म रीमेक है बॉलीवुड के अंदर आई अजय देवगन स्टारर मूवी रेड मूवी की। जी हाँ दोस्तों, यह फिल्म तेलुगु में रीमेक की गई है और रवि तेजा ने और फिल्म मेकर्स ने अपने हिसाब से मूवी की कहानी को गढ़ा है, अपने हिसाब से मूवी की कहानी को मोड़ा है, मूवी के डायलॉग्स और पात्रों को अपने हिसाब से नाटकीय बनाया है। जी हाँ दोस्तों, मिस्टर बच्चन मूवी तेलुगु मूवी हमें देखने के लिए मिल जाती है और तेलुगु मूवी के अंदर मिस्टर बच्चन काफ़ी शानदार काम करते हुए नज़र आ जाते हैं। मूवी के अगर हम डायरेक्टर की बात करें, मूवी को डायरेक्ट किया गया है हरीश शंकर के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, मूवी को हरीश शंकर ने डायरेक्ट किया है। मूवी का डायरेक्शन हरीश शंकर के द्वारा दिया हुआ और देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा हम मूवी के बजट की बात करें तो मूवी का बजट हमें 70 करोड़ रुपयों का देखने के लिए मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, मूवी का बजट हमें 70 करोड़ रुपये देखने के लिए मिल जाता है। वहीं हम मूवी के बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन की बात करें तो मूवी का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन बहुत ही ना के बराबर देखने के लिए मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ फिल्म मेकर्स ने मूवी के बजट में अच्छी खासी धनराशि लगाई, अच्छे खासे पैसे उड़ाए, वहीं रवि तेजा स्टारर मूवी मिस्टर बच्चन सिनेमा घरों में दर्शकों का दिल जीतने में नाकामयाब साबित रही। जी हाँ दोस्तों, नाकामयाब साबित इसलिए रही क्योंकि मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर मात्र 7 करोड़ रुपयों का कलेक्शन करने में ही दम टेक दिया। जी हाँ दोस्तों, मात्र 7 करोड़ रुपयों के कलेक्शन के साथ मूवी का सारा, रवि तेजा का सारा जोश धरा का धरा रह गया, फिल्म मेकर्स की सारी उम्मीदों पर पानी फिर सा गया। जी हाँ दोस्तों, रवि तेजा स्टारर मूवी का बजट 70 करोड़ रुपये होने के बावजूद मूवी बॉक्स ऑफिस पर सिनेमा घरों में मात्र 7 करोड़ रुपयों का कलेक्शन कर ही कर पाई,
और 7 करोड़ रुपयों के कलेक्शन करने में ही सफल रही। वहीं हम मूवी की रनिंग टाइम की बात करें तो मूवी की रनिंग टाइम हमें 160 मिनट की देखने के लिए मिल जाती है। वहीं जब मूवी को दोबारा से रिलीज किया गया, मूवी का एडिटेड वर्जन वापस लाया गया, तो मूवी को और ज़्यादा छोटा किया गया और मूवी की लेंथ हमें 149 मिनट की देखने के लिए मिल जाती है। जी हाँ दोस्तों, मूवी को लिखा गया है हरीश शंकर के द्वारा और मूवी को डायरेक्ट भी हरीश शंकर ने ही किया है। आज हम रवि तेजा की मूवी मिस्टर बच्चन का रिव्यू करने वाले हैं। मूवी की कहानी क्या है, मूवी की स्टार कास्ट क्या है, मूवी को कब रिलीज किया गया, मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कितना कारोबार किया, मूवी का बजट क्या था, मूवी के अंदर हमें क्या देखने के लिए मिला, मूवी हिट रही या फ्लॉप, मूवी के अंदर आखिर ऐसा क्या है जिसे देखने के लिए दर्शक उतावले हो रहे हैं, मूवी की कहानी क्या है, मूवी के स्टार कास्ट क्या है, मूवी के अंदर किन किन स्टार कास्ट ने बेहतरीन अदाकारी की है, वहीं मूवी की सिनेमेटोग्राफी, मूवी का अंदर दिखाई देने वाला म्यूजिक, मूवी का बैकग्राउंड स्कोर और मूवी के डायरेक्टर के बारे में, आज की तमाम चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर से कर दीजिएगा, साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन दिखाई दे रहा है उसे भी ज़रूर से दबा दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, रवि तेजा की मच अवेटेड मूवी मिस्टर बच्चन मूवी के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। मिस्टर बच्चन मूवी के अगर हम जोनर की बात करें तो मूवी का जोनर हमें फुल्ली एक्शन और ड्रामा देखने के लिए मिल जाता है। मूवी का जोनर हमें एक्शन और ड्रामा जोनर की फिल्म हमें देखने के लिए मिल जाती है। मूवी के अंदर हमें ज़बरदस्त एक्शन और साथ ही कॉमेडी और ड्रामा का जो तड़का देखने के लिए मिलता है, रवि तेजा ने मूवी के अंदर बेहतरीन अदाकारी और शानदार अभिनय मूवी के अंदर किया है और अपने फैंस का दिल जीता है। इसके अलावा हम मूवी की लेंथ की बात करें तो मूवी की लेंथ हमें 2 घंटे 40 मिनट की देखने के लिए मिल जाती है। जी हाँ दोस्तों, 2 घंटे 40 मिनट के अंदर यह फिल्म दर्शकों का बहुत ही शानदार तरीके से एंटरटेन करते हुए नज़र आ जाती है। वहीं मूवी की IMDb पर रेटिंग की बात करें तो मूवी को IMDb पर बहुत ही कम रेटिंग दी गई है। जी हाँ दोस्तों, मूवी को IMDb पर मात्र 3.6 की रेटिंग दी गई है आउट ऑफ 10 से। जी हाँ दोस्तों, मूवी को IMDb पर 3.6 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10 से, जो कि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा कम देखने के लिए मिल जाती है और बहुत ही ज़्यादा कम हमें मूवी की रेटिंग देखने के लिए मिलती है। जी हाँ दोस्तों, बात की जाए रवि तेजा की, रवि तेजा ने मूवी के अंदर शानदार काम किया है, बेहतरीन काम किया है और बेहतरीन अदाकारी करते हुए रवि तेजा
मूवी के अंदर छाप छोड़ते हुए मूवी के अंदर दिखाई दे जाते हैं। अगर हम मूवी की कहानी की बात करें तो हमें मूवी की कहानी देखने के लिए मिलती है एक आनंद बच्चन, जिसका किरदार रवि तेजा ने निभाया है। जी हाँ दोस्तों, मूवी के अंदर रवि तेजा का किरदार हमें आनंद बच्चन देखने के लिए मिल जाता है। आनंद बच्चन के इर्द गिर्द मूवी की कहानी को बुना गया है, मूवी की कहानी को गढ़ा गया है। एक बहुत ज़्यादा ईमानदार आयकर अधिकारी है जो अपने सिद्धांतों के कारण खुद को निलंबित पाता है। अपने वफादारी ईमानदारी की वजह से वो निलंबित हो जाता है। गांव में फिल्मों के दीवाने परिवार के पास लौटने पर, जहां वे एक आर्केस्ट्रा में बॉलीवुड के गाने गाता रहता है, बच्चन का जीवन स्थिर होने लगता है। फिल्म शोले से प्रेरित होकर उनके पिता पूरे परिवार का नाम उसके किरदारों के नाम पर रख देते हैं, जिसके कारण आनंद ने महानायक अमिताभ बच्चन के नाम पर बच्चन उपनाम अपना लिया। इसी वजह से उसका नाम मिस्टर बच्चन हो जाता है और मूवी के अंदर दिखाई देता है। बच्चन का जीवन नाटकीय मोड़ लेता है जब उन्हें बहाल कर दिया जाता है, जब दोबारा से उसे ड्यूटी पर वापस बुला लिया जाता है और शक्तिशाली और क्रूर राजनेता मोत्यम जगैया के घर पर छापा मारने का काम सौंप दिया जाता है। यहाँ से शुरू होती है मूवी के अंदर एक नई कहानी, एक नए टर्न एंड ट्विस्ट की कहानी। जी हाँ दोस्तों, मूवी के अंदर काफी जबरदस्त थ्रिलर जो देखने के लिए मिलता है, यहाँ से जो टर्निंग पॉइंट आता है, मूवी के अंदर हमें जबरदस्त थ्रिलर देखने के लिए मिल जाता है और शानदार थ्रिलर मूवी के अंदर नजर आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, मूवी के आप मुख्य भाषा की बात करें तो मूवी की मुख्य भाषा हमें तेलुगु देखने के लिए मिल जाती है। तेलुगु भाषा के अंदर मूवी को बनाया गया है। हालांकि फिल्म के मेकर्स ने मूवी को तमाम भाषाओं में रिलीज किया है, तमाम भाषाओं के अंदर आप इस फिल्म को देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तेलुगु मूवी को आप हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ तमाम भाषाओं में आप इस फिल्म को देख सकते हैं, फिल्म का लुत्फ़ उठा सकते हैं, फिल्म का एंटरटेन कर सकते हैं और फिल्म के मज़े ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तेलुगु फिल्म काफ़ी बेहतरीन बन पड़ी है। फिल्म की कहानी काफ़ी शानदार है। यह फिल्म रीमेक है बॉलीवुड के अंदर आई अजय देवगन स्टारर मूवी रेड मूवी की। जी हाँ दोस्तों, यह फिल्म तेलुगु में रीमेक की गई है और रवि तेजा ने और फिल्म मेकर्स ने अपने हिसाब से मूवी की कहानी को गढ़ा है, अपने हिसाब से मूवी की कहानी को मोड़ा है, मूवी के डायलॉग्स और पात्रों को अपने हिसाब से नाटकीय बनाया है। जी हाँ दोस्तों, मिस्टर बच्चन मूवी तेलुगु मूवी हमें देखने के लिए मिल जाती है और तेलुगु मूवी के अंदर मिस्टर बच्चन काफ़ी शानदार काम करते हुए नज़र आ जाते हैं। मूवी के अगर हम डायरेक्टर की बात करें, मूवी को डायरेक्ट किया गया है हरीश शंकर के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, मूवी को हरीश शंकर ने डायरेक्ट किया है। मूवी का डायरेक्शन हरीश शंकर के द्वारा
दिया हुआ और देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा हम मूवी की बजट की बात करें तो मूवी का बजट हमें 70 करोड़ रुपयों का देखने के लिए मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, मूवी का बजट हमें 70 करोड़ रुपये देखने के लिए मिल जाता है। वहीं हम मूवी के बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन की बात करें तो मूवी का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन बहुत ही ना के बराबर देखने के लिए मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ फिल्म मेकर्स ने मूवी के बजट में अच्छी खासी धनराशि लगाई, अच्छे खासे पैसे उड़ाए, वहीं रवि तेजा स्टारर मूवी मिस्टर बच्चन सिनेमाघरों में दर्शकों का दिल जीतने में नाकामयाब साबित रही। जी हाँ दोस्तों, नाकामयाब साबित इसलिए रही क्योंकि मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर मात्र 7 करोड़ रुपयों का कलेक्शन करने में ही दम टेक दिया। जी हाँ दोस्तों, मात्र 7 करोड़ रुपयों के कलेक्शन के साथ मूवी का सारा, रवि तेजा का सारा जोश धरा का धरा रह गया। फिल्म मेकर्स की सारी उम्मीदों पर पानी फिर सा गया। जी हाँ दोस्तों, रवि तेजा स्टारर मूवी का बजट 70 करोड़ रुपये होने के बावजूद मूवी बॉक्स ऑफिस पर सिनेमाघरों में मात्र 7 करोड़ रुपयों का कलेक्शन कर ही कर पाई और 7 करोड़ रुपयों के कलेक्शन करने में ही सफल रही। वहीं हम मूवी की रनिंग टाइम की बात करें तो मूवी की रनिंग टाइम हमें 160 मिनट की देखने के लिए मिल जाती है। वहीं जब मूवी को दोबारा से रिलीज किया गया, मूवी का एडिटिंग वर्जन, एडिटेड वर्जन वापस लाया गया तो मूवी को और ज़्यादा छोटा किया गया और मूवी की लेंथ हमें 149 मिनट की देखने के लिए मिल जाती है। जी हाँ दोस्तों, मूवी को लिखा गया है हरीश शंकर के द्वारा और मूवी को डायरेक्ट भी हरीश शंकर ने ही किया है। आज हम रवि तेजा की मूवी मिस्टर बच्चन का रिव्यू करने वाले हैं। मूवी की कहानी क्या है, मूवी की स्टार कास्ट क्या है, मूवी को कब रिलीज किया गया, मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कितना कारोबार किया, मूवी का बजट क्या था, मूवी के अंदर हमें क्या देखने के लिए मिला, मूवी हिट रही या फ्लॉप, मूवी के अंदर आखिर ऐसा क्या है जिसे देखने के लिए दर्शक उतावले हो रहे हैं, मूवी की कहानी क्या है, मूवी के स्टार कास्ट क्या है, मूवी के अंदर किन किन स्टार कास्ट ने बेहतरीन अदाकारी की है, वहीं मूवी की सिनेमेटोग्राफी, मूवी का अंदर दिखाई देने वाला म्यूजिक, मूवी का बैकग्राउंड स्कोर और मूवी के डायरेक्टर के बारे में, आज की तमाम चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर से कर दीजिएगा, साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन दिखाई दे रहा है उसे भी ज़रूर से दबा दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, रवि तेजा की मच अवेटेड मूवी मिस्टर बच्चन मूवी के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। मिस्टर बच्चन मूवी के अगर हम जोनर की बात करें तो मूवी का जोनर हमें फुल्ली एक्शन और ड्रामा देखने के लिए मिल जाता है। मूवी का जोनर हमें एक्शन और ड्रामा जोनर की फिल्म हमें देखने के लिए मिल जाती है। मूवी के अंदर हमें ज़बरदस्त एक्शन
और साथ ही कॉमेडी और ड्रामा का जो तड़का देखने के लिए मिलता है। रवि तेजा ने मूवी के अंदर बेहतरीन अदाकारी और शानदार अभिनय मूवी के अंदर किया है और अपने फैंस का दिल जीता है। इसके अलावा हम मूवी की लेंथ की बात करें तो मूवी की लेंथ हमें 2 घंटे 40 मिनट की देखने के लिए मिल जाती है। जी हाँ दोस्तों, 2 घंटे 40 मिनट के अंदर यह फिल्म दर्शकों का बहुत ही शानदार तरीके से एंटरटेन करते हुए नज़र आ जाती है। वहीं मूवी की IMDb पर रेटिंग की बात करें तो मूवी को IMDb पर बहुत ही कम रेटिंग दी गई है। जी हाँ दोस्तों, मूवी को IMDb पर मात्र 3.6 की रेटिंग दी गई है आउट ऑफ 10 से। जी हाँ दोस्तों, मूवी को IMDb पर 3.6 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10 से, जो कि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा कम देखने के लिए मिल जाती है और बहुत ही ज़्यादा कम हमें मूवी की रेटिंग देखने के लिए मिलती है। जी हाँ दोस्तों, बात की जाए रवि तेजा की। रवि तेजा ने मूवी के अंदर शानदार काम किया है, बेहतरीन काम किया है और बेहतरीन अदाकारी करते हुए रवि तेजा मूवी के अंदर छाप छोड़ते हुए मूवी के अंदर दिखाई दे जाते हैं। अगर हम मूवी की कहानी की बात करें तो हमें मूवी की कहानी देखने के लिए मिलती है एक आनंद बच्चन, जिसका किरदार रवि तेजा ने निभाया है। जी हाँ दोस्तों, मूवी के अंदर रवि तेजा का किरदार हमें आनंद बच्चन देखने के लिए मिल जाता है। आनंद बच्चन के इर्द गिर्द मूवी की कहानी को बुना गया है, मूवी की कहानी को गढ़ा गया है। एक बहुत ज़्यादा ईमानदार आयकर अधिकारी है जो अपने सिद्धांतों के कारण खुद को निलंबित पाता है, अपनी वफादारी ईमानदारी की वजह से वो निलंबित हो जाता है। गांव में फिल्मों के दीवाने परिवार के पास लौटने पर, जहां वे एक आर्केस्ट्रा में बॉलीवुड के गाने गाता रहता है, बच्चन का जीवन स्थिर होने लगता है। फिल्म शोले से प्रेरित होकर उनके पिता पूरे परिवार का नाम उसके किरदारों के नाम पर रख देते हैं, जिसके कारण आनंद ने महानायक अमिताभ बच्चन के नाम पर बच्चन उपनाम अपना लिया। इसी वजह से उसका नाम मिस्टर बच्चन हो जाता है और मूवी के अंदर दिखाई देता है। बच्चन का जीवन नाटकीय मोड़ लेता है जब उन्हें बहाल कर दिया जाता है, जब दोबारा से उसे ड्यूटी पर वापस बुला लिया जाता है और शक्तिशाली और क्रूर राजनेता मोत्यम जगैया के घर पर छापा मारने का काम सौंप दिया जाता है। यहाँ से शुरू होती है मूवी के अंदर एक नई कहानी, एक नए टर्न एंड ट्विस्ट की कहानी। जी हाँ दोस्तों, मूवी के अंदर काफ़ी ज़बरदस्त थ्रिलर जो देखने के लिए मिलता है, यहाँ से जो टर्निंग पॉइंट आता है मूवी के अंदर हमें ज़बरदस्त थ्रिलर देखने के लिए मिल जाता है और शानदार थ्रिलर मूवी के अंदर नज़र आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, मूवी के आप मुख्य भाषा की बात करें तो मूवी की मुख्य भाषा हमें तेलुगु देखने के लिए मिल जाती है। तेलुगु भाषा के अंदर मूवी को बनाया गया है। हालांकि फिल्म के मेकर्स ने मूवी को तमाम भाषाओं में रिलीज किया है,
तमाम भाषाओं के अंदर आप इस फिल्म को देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तेलुगु मूवी आप हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ तमाम भाषाओं में आप इस फिल्म को देख सकते हैं, फिल्म का लुत्फ़ उठा सकते हैं, फिल्म का एंटरटेन कर सकते हैं और फिल्म के मज़े ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तेलुगु फिल्म काफ़ी बेहतरीन बन पड़ी है, फिल्म की कहानी काफ़ी शानदार है। यह फिल्म रीमेक है बॉलीवुड के अंदर आई अजय देवगन स्टारर मूवी रेड मूवी की। जी हाँ दोस्तों, यह फिल्म तेलुगु में रीमेक की गई है और रवि तेजा ने और फिल्म मेकर्स ने अपने हिसाब से मूवी की कहानी को गढ़ा है, अपने हिसाब से मूवी की कहानी को मोड़ा है, मूवी के डायलॉग्स और पात्रों को अपने हिसाब से नाटकीय बनाया है। जी हाँ दोस्तों, मिस्टर बच्चन मूवी तेलुगु मूवी हमें देखने के लिए मिल जाती है और तेलुगु मूवी के अंदर मिस्टर बच्चन काफ़ी शानदार काम करते हुए नज़र आ जाते हैं। मूवी के अगर हम डायरेक्टर की बात करें, मूवी को डायरेक्ट किया गया है हरीश शंकर के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, मूवी को हरीश शंकर ने डायरेक्ट किया है, मूवी का डायरेक्शन हरीश शंकर के द्वारा दिया हुआ और देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा हम मूवी के बजट की बात करें तो मूवी का बजट हमें 70 करोड़ रुपयों का देखने के लिए मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, मूवी का बजट हमें 70 करोड़ रुपये देखने के लिए मिल जाता है। वहीं हम मूवी के बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन की बात करें तो मूवी का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन बहुत ही ना के बराबर देखने के लिए मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ फिल्म मेकर्स ने मूवी के बजट में अच्छी खासी धनराशि लगाई, अच्छे खासे पैसे उड़ाए, वहीं रवि तेजा स्टारर मूवी मिस्टर बच्चन सिनेमा घरों में दर्शकों का दिल जीतने में नाकामयाब साबित रही। जी हाँ दोस्तों, नाकामयाब साबित इसलिए रही क्योंकि मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर मात्र 7 करोड़ रुपयों का कलेक्शन करने में ही दम टेक दिया। जी हाँ दोस्तों, मात्र 7 करोड़ रुपयों के कलेक्शन के साथ मूवी का सारा, रवि तेजा का सारा जोश धरा का धरा रह गया, फिल्म मेकर्स की सारी उम्मीदों पर पानी फिर सा गया। जी हाँ दोस्तों, रवि तेजा स्टारर मूवी का बजट 70 करोड़ रुपये होने के बावजूद मूवी बॉक्स ऑफिस पर सिनेमा घरों में मात्र 7 करोड़ रुपयों का कलेक्शन कर ही कर पाई और 7 करोड़ रुपयों के कलेक्शन करने में ही सफल रही। वहीं हम मूवी की रनिंग टाइम की बात करें तो मूवी की रनिंग टाइम हमें 160 मिनट की देखने के लिए मिल जाती है। वहीं जब मूवी को दोबारा से रिलीज किया गया, मूवी का एडिटेड वर्जन वापस लाया गया तो मूवी को और ज़्यादा छोटा किया गया और मूवी की लेंथ हमें 149 मिनट की देखने के लिए मिल जाती है। जी हाँ दोस्तों, मूवी को लिखा गया है हरीश शंकर के द्वारा और मूवी को डायरेक्ट भी हरीश शंकर ने ही किया है। आज हम रवि तेजा की मूवी मिस्टर बच्चन का रिव्यू करने वाले हैं। मूवी की कहानी क्या है, मूवी की स्टार कास्ट क्या है, मूवी को कब रिलीज किया गया, मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कितना कारोबार किया, मूवी का बजट क्या था, मूवी के अंदर हमें क्या देखने के लिए मिला, मूवी हिट रही या फ्लॉप, मूवी के अंदर आखिर ऐसा क्या है जिसे देखने के लिए दर्शक उतावले हो रहे हैं,
मूवी की कहानी क्या है, मूवी के स्टार कास्ट क्या है। मूवी के अंदर किन किन स्टार कास्ट ने बेहतरीन अदाकारी की है, वहीं मूवी की सिनेमेटोग्राफी, मूवी का अंदर दिखाई देने वाला म्यूजिक, मूवी का बैकग्राउंड स्कोर और मूवी के डायरेक्टर के बारे में, आज की तमाम चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर से कर दीजिएगा, साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन दिखाई दे रहा है उसे भी ज़रूर से दबा दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, रवि तेजा की मच अवेटेड मूवी मिस्टर बच्चन मूवी के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। मिस्टर बच्चन मूवी के अगर हम जोनर की बात करें तो मूवी का जोनर हमें फुल्ली एक्शन और ड्रामा देखने के लिए मिल जाता है। मूवी का जोनर हमें एक्शन और ड्रामा जोनर की फिल्म हमें देखने के लिए मिल जाती है। मूवी के अंदर हमें ज़बरदस्त एक्शन और साथ ही कॉमेडी और ड्रामा का जो तड़का देखने के लिए मिलता है, रवि तेजा ने मूवी के अंदर बेहतरीन अदाकारी और शानदार अभिनय मूवी के अंदर किया है और अपने फैंस का दिल जीता है। इसके अलावा हम मूवी की लेंथ की बात करें तो मूवी की लेंथ हमें 2 घंटे 40 मिनट की देखने के लिए मिल जाती है। जी हाँ दोस्तों, 2 घंटे 40 मिनट के अंदर यह फिल्म दर्शकों का बहुत ही शानदार तरीके से एंटरटेन करते हुए नज़र आ जाती है। वहीं मूवी की IMDB पर रेटिंग की बात करें तो मूवी को IMDB पर बहुत ही कम रेटिंग दी गई है। जी हाँ दोस्तों, मूवी को IMDB पर मात्र 3.6 की रेटिंग दी गई है आउट ऑफ 10 से। जी हाँ दोस्तों, मूवी को IMDB पर 3.6 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10 से, जो कि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा कम देखने के लिए मिल जाती है और बहुत ही ज़्यादा कम हमें मूवी की रेटिंग देखने के लिए मिलती है। जी हाँ दोस्तों, बात की जाए रवि तेजा की, रवि तेजा ने मूवी के अंदर शानदार काम किया है, बेहतरीन काम किया है और बेहतरीन अदाकारी करते हुए रवि तेजा मूवी के अंदर छाप छोड़ते हुए मूवी के अंदर दिखाई दिए जाते हैं। अगर हम मूवी की कहानी की बात करें तो हमें मूवी की कहानी देखने के लिए मिलती है एक आनंद बच्चन, जिसका किरदार रवि तेजा ने निभाया है। जी हाँ दोस्तों, मूवी के अंदर रवि तेजा का किरदार हमें आनंद बच्चन देखने के लिए मिल जाता है। आनंद बच्चन के इर्द गिर्द मूवी की कहानी को बुना गया है, मूवी की कहानी को गढ़ा गया है। एक बहुत ज़्यादा ईमानदार आयकर अधिकारी है जो अपने सिद्धांतों के कारण खुद को निलंबित पाता है, अपनी वफादारी ईमानदारी की वजह से वो निलंबित हो जाता है। गांव में फिल्मों के दीवाने परिवार के पास लौटने पर, जहां वे एक आर्केस्ट्रा में बॉलीवुड के गाने गाता रहता है, बच्चन का जीवन स्थिर होने लगता है। फिल्म शोले से प्रेरित होकर उनके पिता
पूरे परिवार का नाम उसके किरदारों के नाम पर रख देते हैं, जिसके कारण आनंद ने महानायक अमिताभ बच्चन के नाम पर बच्चन उपनाम अपना लिया। इसी वजह से उसका नाम मिस्टर बच्चन हो जाता है और मूवी के अंदर दिखाई देता है। बच्चन का जीवन नाटकीय मोड़ लेता है जब उन्हें बहाल कर दिया जाता है, जब दोबारा से उसे ड्यूटी पर वापस बुला लिया जाता है, और शक्तिशाली और क्रूर राजनेता मोत्यम जगैया के घर पर छापा मारने का काम सौंप दिया जाता है। यहाँ से शुरू होती है मूवी के अंदर एक नई कहानी, एक नए टर्न एंड ट्विस्ट की कहानी। जी हाँ दोस्तों, मूवी के अंदर काफ़ी ज़बरदस्त थ्रिलर जो देखने के लिए मिलता है, यहाँ से जो टर्निंग पॉइंट आता है मूवी के अंदर, हमें ज़बरदस्त थ्रिलर देखने के लिए मिल जाता है और शानदार थ्रिलर मूवी के अंदर नज़र आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, मूवी के आप मुख्य भाषा की बात करें तो मूवी की मुख्य भाषा हमें तेलुगु देखने के लिए मिल जाती है। तेलुगु भाषा के अंदर मूवी को बनाया गया है। हालांकि फिल्म के मेकर्स ने मूवी को तमाम भाषाओं में रिलीज़ किया है, तमाम भाषाओं के अंदर आप इस फिल्म को देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तेलुगु मूवी को आप हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ तमाम भाषाओं में आप इस फिल्म को देख सकते हैं, फिल्म का लुत्फ़ उठा सकते हैं, फिल्म को एंटरटेन कर सकते हैं और फिल्म के मज़े ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तेलुगु फिल्म काफ़ी बेहतरीन बन पड़ी है, फिल्म की कहानी काफ़ी शानदार है। यह फिल्म रीमेक है बॉलीवुड के अंदर आई अजय देवगन स्टारर मूवी रेड मूवी की। जी हाँ दोस्तों, यह फिल्म तेलुगु में रीमेक की गई है और रवि तेजा ने और फिल्म मेकर्स ने अपने हिसाब से मूवी की कहानी को गढ़ा है, अपने हिसाब से मूवी की कहानी को मोड़ा है, मूवी के डायलॉग्स और पात्रों को अपने हिसाब से नाटकीय बनाया है। जी हाँ दोस्तों, मिस्टर बच्चन मूवी तेलुगु मूवी हमें देखने के लिए मिल जाती है, और तेलुगु मूवी के अंदर मिस्टर बच्चन काफ़ी शानदार काम करते हुए नज़र आ जाते हैं। मूवी के अगर हम डायरेक्टर की बात करें, मूवी को डायरेक्ट किया गया है हरीश शंकर के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, मूवी को हरीश शंकर ने डायरेक्ट किया है। मूवी का डायरेक्शन हरीश शंकर के द्वारा दिया हुआ और देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा हम मूवी के बजट की बात करें तो मूवी का बजट हमें 70 करोड़ रुपयों का देखने के लिए मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, मूवी का बजट हमें 70 करोड़ रुपये देखने के लिए मिल जाता है। वहीं हम मूवी के बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन की बात करें तो मूवी का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन बहुत ही ना के बराबर देखने के लिए मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ फिल्म मेकर्स ने मूवी के बजट में अच्छी खासी धनराशि लगाई, अच्छे खासे पैसे उड़ाए, वहीं रवि तेजा स्टारर मूवी मिस्टर बच्चन सिनेमा घरों में दर्शकों का दिल जीतने में नाकामयाब साबित रही। जी हाँ दोस्तों, नाकामयाब साबित इसलिए रही क्योंकि मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर मात्र 7 करोड़ रुपयों का कलेक्शन करने में ही दम टेक दिया। जी हाँ दोस्तों, मात्र 7 करोड़ रुपयों के कलेक्शन के साथ मूवी का सारा, रवि तेजा का सारा जोश धरा का धरा रह गया, फिल्म मेकर्स की सारी उम्मीदों पर पानी फिर सा गया। जी हाँ दोस्तों,
रवि तेजा स्टारर मूवी का बजट 70 करोड़ रुपये होने के बावजूद मूवी बॉक्स ऑफिस पर सिनेमाघरों में मात्र 7 करोड़ रुपयों का कलेक्शन कर ही कर पाई और 7 करोड़ रुपयों का कलेक्शन करने में ही सफल रही। वहीं हम मूवी की रनिंग टाइम की बात करें तो मूवी की रनिंग टाइम हमें 160 मिनट की देखने के लिए मिल जाती है। वहीं जब मूवी को दोबारा से रिलीज किया गया, मूवी का एडिटेड वर्जन वापस लाया गया तो मूवी को और ज़्यादा छोटा किया गया और मूवी की लेंथ हमें 149 मिनट की देखने के लिए मिल जाती है। जी हाँ दोस्तों, मूवी को लिखा गया है हरीश शंकर के द्वारा और मूवी को डायरेक्ट भी हरीश शंकर ने ही किया है। आज हम रवि तेजा की मूवी मिस्टर बच्चन का रिव्यू करने वाले हैं। मूवी की कहानी क्या है, मूवी की स्टार कास्ट क्या है, मूवी को कब रिलीज किया गया, मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कितना कारोबार किया, मूवी का बजट क्या था, मूवी के अंदर हमें क्या देखने के लिए मिला, मूवी हिट रही या फ्लॉप, मूवी के अंदर आखिर ऐसा क्या है जिसे देखने के लिए दर्शक उतावले हो रहे हैं, मूवी की कहानी क्या है, मूवी के स्टार कास्ट क्या है, मूवी के अंदर किन किन स्टार कास्ट ने बेहतरीन अदाकारी की है, वहीं मूवी की सिनेमेटोग्राफी, मूवी का अंदर दिखाई देने वाला म्यूजिक, मूवी का बैकग्राउंड स्कोर और मूवी के डायरेक्टर के बारे में, आज की तमाम चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर से कर दीजिएगा, साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन दिखाई दे रहा है उसे भी ज़रूर से दबा दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, रवि तेजा की मच अवेटेड मूवी मिस्टर बच्चन मूवी के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। मिस्टर बच्चन मूवी के अगर हम जोनर की बात करें तो मूवी का जोनर हमें फुल्ली एक्शन और ड्रामा देखने के लिए मिल जाता है। मूवी का जोनर हमें एक्शन और ड्रामा जोनर की फिल्म हमें देखने के लिए मिल जाती है। मूवी के अंदर हमें ज़बरदस्त एक्शन और साथ ही कॉमेडी और ड्रामा का जो तड़का देखने के लिए मिलता है, रवि तेजा ने मूवी के अंदर बेहतरीन अदाकारी और शानदार अभिनय मूवी के अंदर किया है और अपने फैंस का दिल जीता है। इसके अलावा हम मूवी की लेंथ की बात करें तो मूवी की लेंथ हमें 2 घंटे 40 मिनट की देखने के लिए मिल जाती है। जी हाँ दोस्तों, 2 घंटे 40 मिनट के अंदर यह फिल्म दर्शकों का बहुत ही शानदार तरीके से एंटरटेन करते हुए नज़र आ जाती है। वहीं मूवी की IMDb पर रेटिंग की बात करें तो मूवी को IMDb पर बहुत ही कम रेटिंग दी गई है। जी हाँ दोस्तों, मूवी को IMDb पर मात्र 3.6 की रेटिंग दी गई है आउट ऑफ 10 से। जी हाँ दोस्तों, मूवी को IMDb पर 3.6 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10 से, जो कि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा कम देखने के लिए मिल जाती है और बहुत ही ज़्यादा कम हमें मूवी की रेटिंग देखने के लिए मिलती है।
जी हाँ दोस्तों, बात की जाए रवि तेजा की। रवि तेजा ने मूवी के अंदर शानदार काम किया है, बेहतरीन काम किया है, और बेहतरीन अदाकारी करते हुए रवि तेजा मूवी के अंदर छाप छोड़ते हुए मूवी के अंदर दिखाई दे जाते हैं। अगर हम मूवी की कहानी की बात करें तो हमें मूवी की कहानी देखने के लिए मिलती है एक आनंद बच्चन, जिसका किरदार रवि तेजा ने निभाया है। जी हाँ दोस्तों, मूवी के अंदर रवि तेजा का किरदार हमें आनंद बच्चन देखने के लिए मिल जाता है। आनंद बच्चन के इर्द गिर्द मूवी की कहानी को बुना गया है, मूवी की कहानी को गढ़ा गया है। एक बहुत ज़्यादा ईमानदार आयकर अधिकारी है जो अपने सिद्धांतों के कारण खुद को निलंबित पाता है। अपनी वफादारी ईमानदारी की वजह से वो निलंबित हो जाता है। गांव में फिल्मों के दीवाने परिवार के पास लौटने पर, जहाँ वे एक आर्केस्ट्रा में बॉलीवुड के गाने गाता रहता है, बच्चन का जीवन स्थिर होने लगता है। फिल्म शोले से प्रेरित होकर उनके पिता पूरे परिवार का नाम उसके किरदारों के नाम पर रख देते हैं, जिसके कारण आनंद ने महानायक अमिताभ बच्चन के नाम पर बच्चन उपनाम अपना लिया। इसी वजह से उसका नाम मिस्टर बच्चन हो जाता है और मूवी के अंदर दिखाई देता है। बच्चन का जीवन नाटकीय मोड़ लेता है जब उन्हें बहाल कर दिया जाता है, जब दोबारा से उसे ड्यूटी पर वापस बुला लिया जाता है, और शक्तिशाली और क्रूर राजनेता मोत्यम जगैया के घर पर छापा मारने का काम सौंप दिया जाता है। यहाँ से शुरू होती है मूवी के अंदर एक नई कहानी, एक नए टर्न एंड ट्विस्ट की कहानी। जी हाँ दोस्तों, मूवी के अंदर काफ़ी ज़बरदस्त थ्रिलर जो देखने के लिए मिलता है, यहाँ से जो टर्निंग पॉइंट आता है मूवी के अंदर, हमें ज़बरदस्त थ्रिलर देखने के लिए मिल जाता है और शानदार थ्रिलर मूवी के अंदर नज़र आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, मूवी के आप मुख्य भाषा की बात करें तो मूवी की मुख्य भाषा हमें तेलुगु देखने के लिए मिल जाती है। तेलुगु भाषा के अंदर मूवी को बनाया गया है। हालांकि फिल्म के मेकर्स ने मूवी को तमाम भाषाओं में रिलीज़ किया है, तमाम भाषाओं के अंदर आप इस फिल्म को देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तेलुगु मूवी को आप हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ तमाम भाषाओं में आप इस फिल्म को देख सकते हैं, फिल्म का लुत्फ़ उठा सकते हैं, फिल्म का एंटरटेन कर सकते हैं और फिल्म के मज़े ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तेलुगु फिल्म काफ़ी बेहतरीन बन पड़ी है। फिल्म की कहानी काफ़ी शानदार है। यह फिल्म रीमेक है बॉलीवुड के अंदर आई अजय देवगन स्टारर मूवी रेड मूवी की। जी हाँ दोस्तों, यह फिल्म तेलुगु में रीमेक की गई है और रवि तेजा ने और फिल्म मेकर्स ने अपने हिसाब से मूवी की कहानी को गढ़ा है, अपने हिसाब से मूवी की कहानी को मोड़ा है, मूवी के डायलॉग्स और पात्रों को अपने हिसाब से नाटकीय बनाया है। जी हाँ दोस्तों, मिस्टर बच्चन मूवी तेलुगु मूवी हमें देखने के लिए मिल जाती है, और तेलुगु मूवी के अंदर मिस्टर बच्चन काफ़ी शानदार काम करते हुए नज़र आ जाते हैं।
मूवी के अगर हम डायरेक्टर की बात करें, मूवी को डायरेक्ट किया गया है हरीश शंकर के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, मूवी को हरीश शंकर ने डायरेक्ट किया है। मूवी का डायरेक्शन हरीश शंकर के द्वारा दिया हुआ और देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा हम मूवी के बजट की बात करें तो मूवी का बजट हमें 70 करोड़ रुपयों का देखने के लिए मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, मूवी का बजट हमें 70 करोड़ रुपये देखने के लिए मिल जाता है। वहीं हम मूवी के बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन की बात करें तो मूवी का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन बहुत ही ना के बराबर देखने के लिए मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ फिल्म मेकर्स ने मूवी के बजट में अच्छी खासी धनराशि लगाई, अच्छे खासे पैसे उड़ाए, वहीं रवि तेजा स्टारर मूवी मिस्टर बच्चन सिनेमा घरों में दर्शकों का दिल जीतने में नाकामयाब साबित रही। जी हाँ दोस्तों, नाकामयाब साबित इसलिए रही क्योंकि मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर मात्र 7 करोड़ रुपयों का कलेक्शन करने में ही दम टेक दिया। जी हाँ दोस्तों, मात्र 7 करोड़ रुपयों के कलेक्शन के साथ मूवी का सारा, रवि तेजा का सारा जोश धरा का धरा रह गया। फिल्म मेकर्स की सारी उम्मीदों पर पानी फिर सा गया। जी हाँ दोस्तों, रवि तेजा स्टारर मूवी का बजट 70 करोड़ रुपये होने के बावजूद मूवी बॉक्स ऑफिस पर सिनेमा घरों में मात्र 7 करोड़ रुपयों का कलेक्शन कर ही कर पाई और 7 करोड़ रुपयों के कलेक्शन करने में ही सफल रही। वहीं हम मूवी की रनिंग टाइम की बात करें तो मूवी की रनिंग टाइम हमें 160 मिनट की देखने के लिए मिल जाती है। वहीं जब मूवी को दोबारा से रिलीज किया गया, मूवी का एडिटेड वर्जन वापस लाया गया तो मूवी को और ज़्यादा छोटा किया गया और मूवी की लेंथ हमें 149 मिनट की देखने के लिए मिल जाती है। जी हाँ दोस्तों, मूवी को लिखा गया है हरीश शंकर के द्वारा और मूवी को डायरेक्ट भी हरीश शंकर ने ही किया है। आज हम रवि तेजा की मूवी मिस्टर बच्चन का रिव्यू करने वाले हैं। मूवी की कहानी क्या है, मूवी की स्टार कास्ट क्या है, मूवी को कब रिलीज किया गया, मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कितना कारोबार किया, मूवी का बजट क्या था, मूवी के अंदर हमें क्या देखने के लिए मिला, मूवी हिट रही या फ्लॉप, मूवी के अंदर आखिर ऐसा क्या है जिसे देखने के लिए दर्शक उतावले हो रहे हैं, मूवी की कहानी क्या है, मूवी के स्टार कास्ट क्या है, मूवी के अंदर किन किन स्टार कास्ट ने बेहतरीन अदाकारी की है, वहीं मूवी की सिनेमेटोग्राफी, मूवी का अंदर दिखाई देने वाला म्यूजिक, मूवी का बैकग्राउंड स्कोर और मूवी के डायरेक्टर के बारे में, आज की तमाम चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर से कर दीजिएगा, साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन दिखाई दे रहा है उसे भी ज़रूर से दबा दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, रवि तेजा की मच अवेटेड मूवी मिस्टर बच्चन मूवी के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। मिस्टर बच्चन मूवी के अगर हम जोनर की बात करें
तो मूवी का जोनर हमें फुल्ली एक्शन और ड्रामा देखने के लिए मिल जाता है। मूवी का जोनर हमें एक्शन और ड्रामा जोनर की फिल्म हमें देखने के लिए मिल जाती है। मूवी के अंदर हमें ज़बरदस्त एक्शन और साथ ही कॉमेडी और ड्रामा का जो तड़का देखने के लिए मिलता है। रवि तेजा ने मूवी के अंदर बेहतरीन अदाकारी और शानदार अभिनय मूवी के अंदर किया है और अपने फैंस का दिल जीता है। इसके अलावा हम मूवी की लेंथ की बात करें तो मूवी की लेंथ हमें 2 घंटे 40 मिनट की देखने के लिए मिल जाती है। जी हाँ दोस्तों, 2 घंटे 40 मिनट के अंदर यह फिल्म दर्शकों का बहुत ही शानदार तरीके से एंटरटेन करते हुए नज़र आ जाती है। वहीं मूवी की IMDb पर रेटिंग की बात करें तो मूवी को IMDb पर बहुत ही कम रेटिंग दी गई है। जी हाँ दोस्तों, मूवी को IMDb पर मात्र 3.6 की रेटिंग दी गई है आउट ऑफ 10 से। जी हाँ दोस्तों, मूवी को IMDb पर 3.6 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10 से, जो कि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा कम देखने के लिए मिल जाती है और बहुत ही ज़्यादा कम हमें मूवी की रेटिंग देखने के लिए मिलती है। जी हाँ दोस्तों, बात की जाए रवि तेजा की। रवि तेजा ने मूवी के अंदर शानदार काम किया है, बेहतरीन काम किया है और बेहतरीन अदाकारी करते हुए रवि तेजा मूवी के अंदर छाप छोड़ते हुए मूवी के अंदर दिखाई दे जाते हैं। अगर हम मूवी की कहानी की बात करें तो हमें मूवी की कहानी देखने के लिए मिलती है एक आनंद बच्चन, जिसका किरदार रवि तेजा ने निभाया है। जी हाँ दोस्तों, मूवी के अंदर रवि तेजा का किरदार हमें आनंद बच्चन देखने के लिए मिल जाता है। आनंद बच्चन के इर्द गिर्द मूवी की कहानी को बुना गया है, मूवी की कहानी को गढ़ा गया है। एक बहुत ज़्यादा ईमानदार आयकर अधिकारी है जो अपने सिद्धांतों के कारण खुद को निलंबित पाता है। अपनी वफादारी ईमानदारी की वजह से वो निलंबित हो जाता है। गांव में फिल्मों के दीवाने परिवार के पास लौटने पर, जहां वे एक आर्केस्ट्रा में बॉलीवुड के गाने गाता रहता है, बच्चन का जीवन स्थिर होने लगता है। फिल्म शोले से प्रेरित होकर उनके पिता पूरे परिवार का नाम उसके किरदारों के नाम पर रख देते हैं, जिसके कारण आनंद ने महानायक अमिताभ बच्चन के नाम पर बच्चन उपनाम अपना लिया। इसी वजह से उसका नाम मिस्टर बच्चन हो जाता है और मूवी के अंदर दिखाई देता है। बच्चन का जीवन नाटकीय मोड़ लेता है जब उन्हें बहाल कर दिया जाता है, जब दोबारा से उसे ड्यूटी पर वापस बुला लिया जाता है और शक्तिशाली और क्रूर राजनेता मोत्यम जगैया के घर पर छापा मारने का काम सौंप दिया जाता है। यहाँ से शुरू होती है मूवी के अंदर एक नई कहानी, एक नए टर्न एंड ट्विस्ट की कहानी। जी हाँ दोस्तों, मूवी के अंदर काफ़ी ज़बरदस्त थ्रिलर जो देखने के लिए मिलता है। यहाँ से जो टर्निंग पॉइंट आता है मूवी के अंदर, हमें ज़बरदस्त थ्रिलर देखने के लिए मिल जाता है और शानदार थ्रिलर मूवी के अंदर नज़र आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, मूवी के आप मुख्य भाषा की बात करें
तमोई की मुख्य भाषा हमें तेलुगु देखने के लिए मिल जाती है। तेलुगु भाषा के अंदर मूवी को बनाया गया है। हालांकि फिल्म के मेकर्स ने मूवी को तमाम भाषाओं में रिलीज़ किया है। तमाम भाषाओं के अंदर आप इस फिल्म को देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तेलुगु मूवी आप हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ तमाम भाषाओं में आप इस फिल्म को देख सकते हैं। फिल्म का लुत्फ़ उठा सकते हैं, फिल्म का एंटरटेन कर सकते हैं और फिल्म के मज़े ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तेलुगु फिल्म काफ़ी बेहतरीन बन पड़ी है। फिल्म की कहानी काफ़ी शानदार है। यह फिल्म रीमेक है बॉलीवुड के अंदर आई अजय देवगन स्टारर मूवी रेड मूवी की। जी हाँ दोस्तों, यह फिल्म तेलुगु में रीमेक की गई है और रवि तेजा ने और फिल्म मेकर्स ने अपने हिसाब से मूवी की कहानी को गढ़ा है, अपने हिसाब से मूवी की कहानी को मोड़ा है। मूवी के डायलॉग्स और पात्रों को अपने हिसाब से नाटकीय बनाया है। जी हाँ दोस्तों, मिस्टर बच्चन मूवी तेलुगु मूवी हमें देखने के लिए मिल जाती है और तेलुगु मूवी के अंदर मिस्टर बच्चन काफ़ी शानदार काम करते हुए नज़र आ जाते हैं। मूवी के अगर हम डायरेक्टर की बात करें, मूवी को डायरेक्ट किया गया है हरीश शंकर के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, मूवी को हरीश शंकर ने डायरेक्ट किया है। मूवी का डायरेक्शन हरीश शंकर के द्वारा दिया हुआ और देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा हम मूवी के बजट की बात करें तो मूवी का बजट हमें 70 करोड़ रुपयों का देखने के लिए मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, मूवी का बजट हमें 70 करोड़ रुपये देखने के लिए मिल जाता है। वहीं हम मूवी के बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन की बात करें तो मूवी का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन बहुत ही ना के बराबर देखने के लिए मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ फिल्म मेकर्स ने मूवी के बजट में अच्छी खासी धनराशि लगाई, अच्छे खासे पैसे उड़ाए, वहीं रवि तेजा स्टारर मूवी मिस्टर बच्चन सिनेमाघरों में दर्शकों का दिल जीतने में नाकामयाब साबित रही। जी हाँ दोस्तों, नाकामयाब साबित इसलिए रही क्योंकि मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर मात्र 7 करोड़ रुपयों का कलेक्शन करने में ही दम टेक दिया। जी हाँ दोस्तों, मात्र 7 करोड़ रुपयों के कलेक्शन के साथ मूवी का सारा, रवि तेजा का सारा जोश धरा का धरा रह गया। फिल्म मेकर्स की सारी उम्मीदों पर पानी फिर सा गया। जी हाँ दोस्तों, रवि तेजा स्टारर मूवी का बजट 70 करोड़ रुपये होने के बावजूद मूवी बॉक्स ऑफिस पर सिनेमाघरों में मात्र 7 करोड़ रुपयों का कलेक्शन कर ही कर पाई और 7 करोड़ रुपयों के कलेक्शन करने में ही सफल रही। वहीं हम मूवी की रनिंग टाइम की बात करें तो मूवी की रनिंग टाइम हमें 160 मिनट की देखने के लिए मिल जाती है। वहीं जब मूवी को दोबारा से रिलीज़ किया गया, मूवी का एडिटिंग वर्जन, एडिटेड वर्जन वापस लाया गया तो मूवी को और ज़्यादा छोटा किया गया और मूवी की लेंथ हमें 149 मिनट की देखने के लिए मिल जाती है। जी हाँ दोस्तों, मूवी को लिखा गया है हरीश शंकर के द्वारा और मूवी को डायरेक्ट भी हरीश शंकर ने ही किया है। आज हम रवि तेजा की मूवी मिस्टर बच्चन का रिव्यू करने वाले हैं। मूवी की कहानी क्या है, मूवी की स्टार कास्ट क्या है, मूवी को कब रिलीज किया गया, मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कितना कारोबार किया,
मूवी का बजट क्या था, मूवी के अंदर हमें क्या देखने के लिए मिला, मूवी हिट रही या फ्लॉप, मूवी के अंदर आखिर ऐसा क्या है जिसे देखने के लिए दर्शक उतावले हो रहे हैं, मूवी की कहानी क्या है, मूवी के स्टार कास्ट क्या है, मूवी के अंदर किन किन स्टार कास्ट ने बेहतरीन अदाकारी की है, वहीं मूवी की सिनेमेटोग्राफी, मूवी का अंदर दिखाई देने वाला म्यूजिक, मूवी का बैकग्राउंड स्कोर और मूवी के डायरेक्टर के बारे में, आज की तमाम चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर से कर दीजिएगा, साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन दिखाई दे रहा है उसे भी ज़रूर से दबा दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, रवि तेजा की मच अवेटेड मूवी मिस्टर बच्चन मूवी के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। मिस्टर बच्चन मूवी के अगर हम जोनर की बात करें तो मूवी का जोनर हमें फुल्ली एक्शन और ड्रामा देखने के लिए मिल जाता है। मूवी का जोनर हमें एक्शन और ड्रामा जोनर की फिल्म हमें देखने के लिए मिल जाती है। मूवी के अंदर हमें ज़बरदस्त एक्शन और साथ ही कॉमेडी और ड्रामा का जो तड़का देखने के लिए मिलता है। रवि तेजा ने मूवी के अंदर बेहतरीन अदाकारी और शानदार अभिनय मूवी के अंदर किया है और अपने फैंस का दिल जीता है। इसके अलावा हम मूवी की लेंथ की बात करें तो मूवी की लेंथ हमें 2 घंटे 40 मिनट की देखने के लिए मिल जाती है। जी हाँ दोस्तों, 2 घंटे 40 मिनट के अंदर यह फिल्म दर्शकों का बहुत ही शानदार तरीके से एंटरटेन करते हुए नज़र आ जाती है। वहीं मूवी की IMDb पर रेटिंग की बात करें तो मूवी को IMDb पर बहुत ही कम रेटिंग दी गई है। जी हाँ दोस्तों, मूवी को IMDb पर मात्र 3.6 की रेटिंग दी गई है आउट ऑफ 10 से। जी हाँ दोस्तों, मूवी को IMDb पर 3.6 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10 से, जो कि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा कम देखने के लिए मिल जाती है और बहुत ही ज़्यादा कम हमें मूवी की रेटिंग देखने के लिए मिलती है। जी हाँ दोस्तों, बात की जाए रवि तेजा की, रवि तेजा ने मूवी के अंदर शानदार काम किया है, बेहतरीन काम किया है और बेहतरीन अदाकारी करते हुए रवि तेजा मूवी के अंदर छाप छोड़ते हुए मूवी के अंदर दिखाई दे जाते हैं। अगर हम मूवी की कहानी की बात करें तो हमें मूवी की कहानी देखने के लिए मिलती है एक आनंद बच्चन जिसका किरदार रवि तेजा ने निभाया है। जी हाँ दोस्तों, मूवी के अंदर रवि तेजा का किरदार हमें आनंद बच्चन देखने के लिए मिल जाता है। आनंद बच्चन के इर्द गिर्द मूवी की कहानी को बुना गया है, मूवी की कहानी को गढ़ा गया है। एक बहुत ज़्यादा ईमानदार आयकर अधिकारी है जो अपने सिद्धांतों के कारण खुद को निलंबित पाता है, अपनी वफादारी ईमानदारी की वजह से वो निलंबित हो जाता है। गांव में फिल्मों के दीवाने परिवार के पास लौटने पर
जहाँ वे है एक आर्केस्ट्रा में बॉलीवुड के गाने गाता रहता है। बच्चन का जीवन स्थिर होने लगता है। फिल्म शोले से प्रेरित होकर उनके पिता पूरे परिवार का नाम उसके किरदारों के नाम पर रख देते हैं, जिसके कारण आनंद ने महानायक अमिताभ बच्चन के नाम पर बच्चन उपनाम अपना लिया। इसी वजह से उसका नाम मिस्टर बच्चन हो जाता है और मूवी के अंदर दिखाई देता है। बच्चन का जीवन नाटकीय मोड़ लेता है जब उन्हें बहाल कर दिया जाता है, जब दोबारा से उसे ड्यूटी पर वापस बुला लिया जाता है और शक्तिशाली और क्रूर राजनेता मोत्यम जगैया के घर पर छापा मारने का काम सौंप दिया जाता है। यहाँ से शुरू होती है मूवी के अंदर एक नई कहानी, एक नए टर्न एंड ट्विस्ट की कहानी। जी हाँ दोस्तों, मूवी के अंदर काफ़ी ज़बरदस्त थ्रिलर जो देखने के लिए मिलता है। यहाँ से जो टर्निंग पॉइंट आता है मूवी के अंदर, हमें ज़बरदस्त थ्रिलर देखने के लिए मिल जाता है और शानदार थ्रिलर मूवी के अंदर नज़र आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, मूवी के आप मुख्य भाषा की बात करें तो मूवी की मुख्य भाषा हमें तेलुगु देखने के लिए मिल जाती है। तेलुगु भाषा के अंदर मूवी को बनाया गया है। हालांकि फिल्म के मेकर्स ने मूवी को तमाम भाषाओं में रिलीज किया है। तमाम भाषाओं के अंदर आप इस फिल्म को देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तेलुगु मूवी को आप हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ तमाम भाषाओं में आप इस फिल्म को देख सकते हैं, फिल्म का लुत्फ़ उठा सकते हैं, फिल्म का एंटरटेन कर सकते हैं और फिल्म के मज़े ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तेलुगु फिल्म काफ़ी बेहतरीन बन पड़ी है। फिल्म की कहानी काफ़ी शानदार है। यह फिल्म रीमेक है बॉलीवुड के अंदर आई अजय देवगन स्टारर मूवी रेड मूवी की। जी हाँ दोस्तों, यह फिल्म तेलुगु में रीमेक की गई है और रवि तेजा ने और फिल्म मेकर्स ने अपने हिसाब से मूवी की कहानी को गढ़ा है, अपने हिसाब से मूवी की कहानी को मोड़ा है, मूवी के डायलॉग्स और पात्रों को अपने हिसाब से नाटकीय बनाया है। जी हाँ दोस्तों, मिस्टर बच्चन मूवी तेलुगु मूवी हमें देखने के लिए मिल जाती है और तेलुगु मूवी के अंदर मिस्टर बच्चन काफ़ी शानदार काम करते हुए नज़र आ जाते हैं। मूवी के अगर हम डायरेक्टर की बात करें, मूवी को डायरेक्ट किया गया है हरीश शंकर के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, मूवी को हरीश शंकर ने डायरेक्ट किया है। मूवी का डायरेक्शन हरीश शंकर के द्वारा दिया हुआ और देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा हम मूवी के बजट की बात करें तो मूवी का बजट हमें 70 करोड़ रुपयों का देखने के लिए मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, मूवी का बजट हमें 70 करोड़ रुपये देखने के लिए मिल जाता है। वहीं हम मूवी के बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन की बात करें तो मूवी का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन बहुत ही ना के बराबर देखने के लिए मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ फिल्म मेकर्स ने मूवी के बजट में अच्छी खासी धनराशि लगाई, अच्छे खासे पैसे उड़ाए, वहीं रवि तेजा स्टारर मूवी मिस्टर बच्चन सिनेमाघरों में दर्शकों का दिल जीतने में नाकामयाब साबित रही। जी हाँ दोस्तों, नाकामयाब साबित इसलिए रही क्योंकि मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर मात्र 7 करोड़ रुपयों का कलेक्शन करने में ही दम टेक दिया,
जी हाँ दोस्तों, मात्र 7 करोड़ रुपयों के कलेक्शन के साथ मूवी का सारा, रवि तेजा का सारा जोश धरा का धरा रह गया। फिल्म मेकर्स की सारी उम्मीदों पर पानी फिर सा गया। जी हाँ दोस्तों, रवि तेजा स्टारर मूवी का बजट 70 करोड़ रुपये होने के बावजूद मूवी बॉक्स ऑफिस पर सिनेमाघरों में मात्र 7 करोड़ रुपयों का कलेक्शन कर ही कर पाई और 7 करोड़ रुपयों के कलेक्शन करने में ही सफल रही। वहीं हम मूवी की रनिंग टाइम की बात करें तो मूवी की रनिंग टाइम हमें 160 मिनट की देखने के लिए मिल जाती है। वहीं जब मूवी को दोबारा से रिलीज़ किया गया, मूवी का एडिटेड वर्जन वापस लाया गया तो मूवी को और ज़्यादा छोटा किया गया और मूवी की लेंथ हमें 149 मिनट की देखने के लिए मिल जाती है। जी हाँ दोस्तों, मूवी को लिखा गया है हरीश शंकर के द्वारा और मूवी को डायरेक्ट भी हरीश शंकर ने ही किया है। आज हम रवि तेजा की मूवी मिस्टर बच्चन का रिव्यू करने वाले हैं। मूवी की कहानी क्या है, मूवी की स्टार कास्ट क्या है, मूवी को कब रिलीज किया गया, मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कितना कारोबार किया, मूवी का बजट क्या था, मूवी के अंदर हमें क्या देखने के लिए मिला, मूवी हिट रही या फ्लॉप, मूवी के अंदर आखिर ऐसा क्या है जिसे देखने के लिए दर्शक उतावले हो रहे हैं, मूवी की कहानी क्या है, मूवी के स्टार कास्ट क्या है, मूवी के अंदर किन किन स्टार कास्ट ने बेहतरीन अदाकारी की है, वहीं मूवी की सिनेमेटोग्राफी, मूवी का अंदर दिखाई देने वाला म्यूजिक, मूवी का बैकग्राउंड स्कोर और मूवी के डायरेक्टर के बारे में, आज की तमाम चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर से कर दीजिएगा, साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन दिखाई दे रहा है उसे भी ज़रूर से दबा दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, रवि तेजा की मच अवेटेड मूवी मिस्टर बच्चन मूवी के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। मिस्टर बच्चन मूवी के अगर हम जोनर की बात करें तो मूवी का जोनर हमें फुल्ली एक्शन और ड्रामा देखने के लिए मिल जाता है। मूवी का जोनर हमें एक्शन और ड्रामा जोनर की फिल्म हमें देखने के लिए मिल जाती है। मूवी के अंदर हमें ज़बरदस्त एक्शन और साथ ही कॉमेडी और ड्रामा का जो तड़का देखने के लिए मिलता है, रवि तेजा ने मूवी के अंदर बेहतरीन अदाकारी और शानदार अभिनय मूवी के अंदर किया है और अपने फैंस का दिल जीता है। इसके अलावा हम मूवी की लेंथ की बात करें तो मूवी की लेंथ हमें 2 घंटे 40 मिनट की देखने के लिए मिल जाती है। जी हाँ दोस्तों, 2 घंटे 40 मिनट के अंदर यह फिल्म दर्शकों का बहुत ही शानदार तरीके से एंटरटेन करते हुए नज़र आ जाती है। वहीं मूवी की IMDb पर रेटिंग की बात करें तो मूवी को IMDb पर बहुत ही कम रेटिंग दी गई है। जी हाँ दोस्तों, मूवी को IMDb पर मात्र 3.6 की रेटिंग दी गई है आउट ऑफ 10 से। जी हाँ दोस्तों, मूवी को IMDb पर 3.6 की रेटिंग मिली है
आउट ऑफ 10 से, जो कि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा कम देखने के लिए मिल जाती है और बहुत ही ज़्यादा कम हमें मूवी की रेटिंग देखने के लिए मिलती है। जी हाँ दोस्तों, बात की जाए रवि तेजा की, रवि तेजा ने मूवी के अंदर शानदार काम किया है, बेहतरीन काम किया है और बेहतरीन अदाकारी करते हुए रवि तेजा मूवी के अंदर छाप छोड़ते हुए मूवी के अंदर दिखाई दे जाते हैं। अगर हम मूवी की कहानी की बात करें तो हमें मूवी की कहानी देखने के लिए मिलती है एक आनंद बच्चन, जिसका किरदार रवि तेजा ने निभाया है। जी हाँ दोस्तों, मूवी के अंदर रवि तेजा का किरदार हमें आनंद बच्चन देखने के लिए मिल जाता है। आनंद बच्चन के इर्द गिर्द मूवी की कहानी को बुना गया है, मूवी की कहानी को गढ़ा गया है। एक बहुत ज़्यादा ईमानदार आयकर अधिकारी है जो अपने सिद्धांतों के कारण खुद को निलंबित पाता है, अपने वफादारी ईमानदारी की वजह से वो निलंबित हो जाता है। गांव में फिल्मों के दीवाने परिवार के पास लौटने पर, जहां वे एक आर्केस्ट्रा में बॉलीवुड के गाने गाता रहता है, बच्चन का जीवन स्थिर होने लगता है। फिल्म शोले से प्रेरित होकर उनके पिता पूरे परिवार का नाम उसके किरदारों के नाम पर रख देते हैं, जिसके कारण आनंद ने महानायक अमिताभ बच्चन के नाम पर बच्चन उपनाम अपना लिया। इसी वजह से उसका नाम मिस्टर बच्चन हो जाता है और मूवी के अंदर दिखाई देता है। बच्चन का जीवन नाटकीय मोड़ लेता है जब उन्हें बहाल कर दिया जाता है, जब दोबारा से उसे ड्यूटी पर वापस बुला लिया जाता है और शक्तिशाली और क्रूर राजनेता मोत्यम जगैया के घर पर छापा मारने का काम सौंप दिया जाता है। यहाँ से शुरू होती है मूवी के अंदर एक नई कहानी, एक नए टर्न एंड ट्विस्ट की कहानी। जी हाँ दोस्तों, मूवी के अंदर काफ़ी ज़बरदस्त थ्रिलर जो देखने के लिए मिलता है, यहाँ से जो टर्निंग पॉइंट आता है मूवी के अंदर हमें ज़बरदस्त थ्रिलर देखने के लिए मिल जाता है और शानदार थ्रिलर मूवी के अंदर नज़र आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, मूवी के आप मुख्य भाषा की बात करें तो मूवी की मुख्य भाषा हमें तेलुगु देखने के लिए मिल जाती है। तेलुगु भाषा के अंदर मूवी को बनाया गया है। हालांकि फिल्म के मेकर्स ने मूवी को तमाम भाषाओं में रिलीज किया है, तमाम भाषाओं के अंदर आप इस फिल्म को देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तेलुगु मूवी को आप हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ तमाम भाषाओं में आप इस फिल्म को देख सकते हैं, फिल्म का लुत्फ़ उठा सकते हैं, फिल्म का एंटरटेन कर सकते हैं और फिल्म के मज़े ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तेलुगु फिल्म काफ़ी बेहतरीन बन पड़ी है, फिल्म की कहानी काफ़ी शानदार है। यह फिल्म रीमेक है बॉलीवुड के अंदर आई अजय देवगन स्टारर मूवी रेड मूवी की। जी हाँ दोस्तों, यह फिल्म तेलुगु में रीमेक की गई है और रवि तेजा ने और फिल्म मेकर्स ने अपने हिसाब से मूवी की कहानी को गढ़ा है, अपने हिसाब से मूवी की कहानी को मोड़ा है, मूवी के डायलॉग्स और पात्रों को अपने हिसाब से नाटकीय बनाया है। जी हाँ दोस्तों, मिस्टर बच्चन मूवी
तेलुगु मूवी हमें देखने के लिए मिल जाती है। और तेलुगु मूवी के अंदर मिस्टर बच्चन काफ़ी शानदार काम करते हुए नज़र आ जाते हैं। मूवी के अगर हम डायरेक्टर की बात करें, मूवी को डायरेक्ट किया गया है हरीश शंकर के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, मूवी को हरीश शंकर ने डायरेक्ट किया है। मूवी का डायरेक्शन हरीश शंकर के द्वारा दिया हुआ और देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा हम मूवी के बजट की बात करें तो मूवी का बजट हमें 70 करोड़ रुपयों का देखने के लिए मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, मूवी का बजट हमें 70 करोड़ रुपये देखने के लिए मिल जाता है। वहीं हम मूवी के बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन की बात करें तो मूवी का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन बहुत ही ना के बराबर देखने के लिए मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ फिल्म मेकर्स ने मूवी के बजट में अच्छी खासी धनराशि लगाई, अच्छे खासे पैसे उड़ाए, वहीं रवि तेजा स्टारर मूवी मिस्टर बच्चन सिनेमा घरों में दर्शकों का दिल जीतने में नाकामयाब साबित रही। जी हाँ दोस्तों, नाकामयाब साबित इसलिए रही क्योंकि मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर मात्र 7 करोड़ रुपयों का कलेक्शन करने में ही दम टेक दिया। जी हाँ दोस्तों, मात्र 7 करोड़ रुपयों के कलेक्शन के साथ मूवी का सारा, रवि तेजा का सारा जोश धरा का धरा रह गया। फिल्म मेकर्स की सारी उम्मीदों पर पानी फिर सा गया। जी हाँ दोस्तों, रवि तेजा स्टारर मूवी का बजट 70 करोड़ रुपये होने के बावजूद मूवी बॉक्स ऑफिस पर सिनेमा घरों में मात्र 7 करोड़ रुपयों का कलेक्शन कर ही कर पाई और 7 करोड़ रुपयों के कलेक्शन करने में ही सफल रही। वहीं हम मूवी की रनिंग टाइम की बात करें तो मूवी की रनिंग टाइम हमें 160 मिनट की देखने के लिए मिल जाती है। वहीं जब मूवी को दोबारा से रिलीज किया गया, मूवी का एडिटेड वर्जन वापस लाया गया तो मूवी को और ज़्यादा छोटा किया गया और मूवी की लेंथ हमें 149 मिनट की देखने के लिए मिल जाती है। जी हाँ दोस्तों, मूवी को लिखा गया है हरीश शंकर के द्वारा और मूवी को डायरेक्ट भी हरीश शंकर ने ही किया है। आज हम रवि तेजा की मूवी मिस्टर बच्चन का रिव्यू करने वाले हैं। मूवी की कहानी क्या है, मूवी की स्टार कास्ट क्या है, मूवी को कब रिलीज किया गया, मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कितना कारोबार किया।